आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। अभी ये तो हटा दो, अभी इनका काम नहीं है। ये हटा दो यहां से, ये अभी इनका काम नहीं है। खाली उन थालियों का काम एक व्यक्ति चढ़ाए, बाकी लोग हाथ लगाते रहे, लंबी विधि है। अरे हंतो भगवंत इंद्र महिता सीता सिद्धेश्वरा आचार्या जिन शासनो नति करा वो चा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनि भरा रत्नात्रयाराध का पंचस्ते परमेश्विना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम्। श्रीमन्नमृसुरासुरेन्द्रमुकुटा प्रद्योतिरात्न प्रभा भाष्वद पाद नखेन्दवा प्रवचना बोधेन्दवास्तायना हे सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगता ते पाठिका शादवा स्तुत्या योगी जनैश पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम्। हेलो सम्यक् दर्शन बोध व्रतममलम् रत्नात्रयोपावनम् मुक्त्रे श्रीनगरादिनाथ जिनपा धर्मासुक्तिसुधा सचैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रालयं प्रोक्तं चं त्रिविधं चतुर्विधिममि कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। कुर्वन्तु नामङ्गलम् आभेयादिजिना प्रशस्तवदना ख्याता चतुरो विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वरप्रवतयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशति श्रैकाल्यै प्रतितासि षष्ठभुजा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु ना मङ्गलम्। प्रेत्यमिगता पञ्चये ये चाष्टाङ्गे महान् मेत् कुशला यष्टौ विदाचारिणा पञ्चज्ञानद्रराशयो विबलिनो हि बुद्धिरेदीश्वरा सप्तै ते सकलार्जिता मुनिवृता कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु ना मङ्गलं। देवगणिता विद्याधिका देवता श्रीतीर्थङ्कर मातृकाश्च जनिका यक्षाशियाक्ष्यस्तथा द्वात्रिंश त्रिदशाधिपास्तिसुरा दिक्कन्निका चाष्टदा दिक्पाला दश चैतन्यमीसुरगुणा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु ना
मंगलम कैलासे ऋषभस्य निर्वृतमये वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुभोज सज्जनपते संवेद शैलैर्हतां शेषाणां विजोयन्द जिकरे नीमीश्वरस्य हरितो निर्वाणाय अवनया प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोषभो भगवतां जन्माभिषेको सभो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभवो यह केवला ज्ञान भाव यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गिवी कल्याणानि जतानि पंच सततम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु ना मंगलम ज्योतिरन्तर्भावेनामर गृहे मेरो कुलाद्रौस्तता जम्बो शालमल चैत शाख सुदता वक्षारोप्यादशो ईश्वर गिरोज कुंडल नगी दीप जनंदीश्वरे शैले मनुजोत्तरे जिन ग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु ना मंगलम इत्थम सृजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य समुपदकरं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुदया तीर्थंकराणामुषा शृण्वन्ति पठन्ति तैस्य सुजने धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रिते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि 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 पुष्पांजलि कृपेत दो तीन लोग हे क्षेत्रपाल देव हे पद्मावती देवी हम सभी दिगंबर जैन समाज क्लेमेंटाउन देहरादून वेदी की उत्थापन विधि करके आपको यथास्थान नवीन वेदी में विराजमान करने जा रहे हैं। इस मंदिर के इस क्षेत्र के समस्त जिन शासन देवी देवता भूमि देवता वास्तु देवता आप सभी नवीन स्थान पर पहुंच करके धर्म प्रभावना में सहयोग प्रदान करें। यदि हमसे मन से वचन से काय से कृत से कार्य से अनुमोदना से संरम्भ से समारंभ से आरंभ से यदि कोई त्रुटि रह गई हो क्षमा प्रदान करें क्षमा प्रदान करें क्षमा प्रदान करें। वेदी के चारों तरफ खड़े हो जाओ लोग। देखिए वीडियोग्राफर फोटोग्राफर तीनों स्थान का लेंगे समय समय पे बदल बदल के। शनत परमावती के वेदी पे कलावा बंधवाओ। धम्मं शरणं पवज्जामि ओमि अनादिशत मंत्र मंत्रे पूर्णमा वेदिकां परिवेष्टयामि। ये तोड़ दो काट दो।
ओम ह्रीं श्री मद्दी शासन अक्षय अक्षाय नमः अत्र आगच्छ आगच्छ जिनबिंब भेदी उत्थापन विधि भिलायामिदमर्घ्यं पाद्यं जलम गंधम पुष्पम दीपं धूपम शरूं बलिं बलिं स्वस्तिकम् अक्षतम् अग्भागम् चायजामहि प्रतिग्रहिताम् प्रतिग्रहिताम् स्वाहा वज्रम फलम सभ्यकरद्वयेन चक्रम वरम चान्यकरद्वयेन समुद्वहिन्तीं सुमति श्रीयक्षीं यजामहे पुरुषदत्तिकाराभ्याम् ओम आम क्रोम ने सुमजिन शासन अक्षय पुरदत्ता देवी नमात्र आगच्छागच्छ श्री देव जिन बिंब वेदी उत्थापन विधि वेलाया में दमर गम पद्म जलम गंधम पुष्पम दीप मंदूपम चरुम बलिम बलिम स्वस्तिगम अक्षतम यज्ञ भागम चाय यजामे प्रतिग्रहिताम प्रतिग्रहिताम स्वाहा। श्री फल लीजिए खेटो भयो भाषद सभ्य हस्तम कुंतेष्ठ दान स्मृतान्य पाणिम परम प्रभा श्री पर भ्रंगम पुष्पाक्षी अक्षेश्वर अर्चयामि ओम अम क्रूम रीम परम प्रभु जासन यक्ष पुष्प यक्षाय नमः अत्र आगच्छागच्छ जिन बिंब भेदी उत्थापन विधि वेलायामे दमर्घ्यम पद्म जलम गंधम पुष्पम दीपमंदूपम चरुम बलिम बलिम स्वस्तिकम अक्षतम अग्भागम च यजामहे प्रतिग्रहिताम प्रतिग्रहिताम स्वाहा। फलम फलकम फल मुग्रासिम फलम बरे दुर्जया परम प्रसिया यक्षी मनोवेगा महामिदम ओम आम क्रोम रीम परम शासन यक्षी मनोवेगा देव नमा इदम अर्घ्यम पाद्यम जलम गंधम पुष्पम दीपम धूपम चरुम बलिम बलिम स्वस्तिकम अक्षतम अग्भागम चाय जामे प्रतिग्रहिताम प्रतिग्रहिताम स्वाहा। सुपार्श्वनाथ जी का अर्घ लीजिए श्रीफल लीजिए सो पार्श्व जनेश्वर पाद भवम रज सांस्रतयाम कमलया ततया कति नात्र भवंति न यज्ञ भवो विनय तो मयामि महाध्वनि भी ओम ऋ शिष्य सुपार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ प्राप्ते अर्घम निव पामते स्वाहा। खाली अर्घ यमोग दंडोपम चंद दंडम सभ्यन चा सभ्य करण शूलम ब्रिबाण मर्चामि सुपार्श्व भक्तम मातंग यक्षम कुलिंट कुलिनान नोग्रम ओम अम क्रोम रीम मातंग अक्षाय अत्र अक्षाय नमः अत्र आगच्छागच्छ जिन बिंब भेदी उत्तापन विधि वेलाया में दमर्गम पाद्यम जलम गंधम पुष्पम दीपम धूपम चरुम बलिम बलिम स्वस्तिकम अक्षतम यज्ञभागम च यजामहे प्रतिग्रहिताम प्रतिग्रहिताम स्वाहा। अर्घ मनसा परिचिंत पितो स्वर सार मम मम कांति हृदय जने जिन देह घृणी इति पाद भवम श्रुतिमा आरभ्य वामो करिहस्तोयाघटम फलम सोलमीष्टदानम तदाधि काली कल्त प्रसाद सपर्पया शास्त्र सुपार्श्वयक्षे ओम आम क्रोम काली देव नमात्र आगच्छागच्छे श्री जिन बिंब उत्थापन वेदी उत्थापन विधि वेलायाम इदम अर्घ्यम पद्म जलम गंधम पुष्पम दीपम धूपम चरुम बलिम बलिम स्वस्तिकम अक्षतम अग्भागम च यजामहे प्रतिग्रहिताम प्रतिग्रहिताम स्वाहा। श्री फल लीजिए मनसा परचिंत भवो स्वर साद मम कांति हृदय जिन देह घृणी इति पाद भवम श्रुति मावन तम जिन चंद्र पदाम भुज मा श्रुतया ओम रेम श्री चंद प्रभु जिनेन्द्राय नम अर्घम निर्वपामिते तत्तेन सभ्येन दत्ते परशुं बलम तताक्ष मालम च वरम परेण करद्वयेन प्रजेत नेत्रम श्यामं तमिन्दो प्रभक्तिवारम ओम आम क्रूं श्याम यक्षाय नमात्र आगच्छागच्छ जिन बिंब भेदी उत्थापन विधि वेलायामेदम अर्घ्यं पाद्यं जलम गंधम पुष्पम दीपं धूपम चरुं बलिं बलिं स्वस्तिकम् अक्षतम् यज्ञभागम् च यजामहे प्रतिग्रहिताम् प्रतिग्रहिताम् स्वाहा। चक्रम पाश चाप पलिश माश पलकै सभ्य चतुर्भिकरै रन्नै सोलमे समचजम जलदशम दत्ते तया दुर्जया तामिंदु प्रभु देव सेवन परामिष्टार्थ सार्थ प्रदाम ज्वालामाल कलाल मौलिकलताम देवीं यजे ज्वालिनीं ओम आम क्रोम रीं ज्वालामाली मा देवी नमात्र आगच्छागच्छ वेदी जिन बिंब उत्थापन विधि वेलायाम इदम अर्घ्यम पाद्यम जलम गंधम पुष्पम दीपम धूपम चरुम बलिम बलिम स्वस्तिकम अक्षतम यज्ञभागम च यजामहे प्रतिग्रहिताम प्रतिग्रहिताम स्वाहा। श्री फल लीजिए वेदी जिन बिंब उत्थापन विधि वेलायामिदम अर्घ्यम पाद्यम जलम गंधम पुष्पम दीपम धूपम चरुम बलिम बलिम स्वस्तिकम अक्षतम यज्ञभागम च यजामहे प्रतिग्रहिताम प्रतिग्रहिताम स्वाहा। श्री फल लीजिए धन धान्य समृद्धि रति भी यतो यजताम भवति सुरेन्द्र धरा दशमम प्रशमम भव शांति करम सुयजामि महाध्वनि ना प्रमुदा
ओम रेम श्री शीतल नाय जिनेन्द्राय नमः। अनर्घ भर प्राप्त अर्घम निवपंते स्वाहा। अर्घ लीजिए। सचाप दंडो चित वज्र शब्योदपाणम नुत शीतलेशम शब्यान हस्ते सुपराश्वशिष्ट दानम यजे ब्रह्म समाक्यक्षम। ओम आम क्रूम ह्रीं ब्रह्म यक्षाय नमः। अत्रा गच्छा गच्छे वेदी जिन विमुत्तापन विधि विलायाम इदम अर्घम पाद्यम जलम गंधम पुष्पम दीपम धूपम चरुम बलिम बलिम स्वस्तिकम अक्षतम मघभागम च यजामहे प्रतिग्रहिताम प्रतिग्रहिताम स्वाहा। अर्घ ऊर्ध्वस्तोघृतमस्यमालम अधोधवस्ताफल प्रदानम वामादिता शीतलनाथ यक्षीम महर्दिकां मानवीमानये त्वम्। ओम आम क्रोम रे मानवी देव नमात्रा गच्छा गच्छे वेदी जिन विमुत्तापन विधि विलायाम इदम अर्घ्यम पाद्यम जलम गंधम पुष्पम दीपम धूपम चरुम बलिम बलिम स्वस्तिकम अक्षतम यज्ञभागम च यजामहे प्रतिग्रहिताम प्रतिग्रहिताम स्वाहा। श्रीफल लीजिए। शियोजनस चरणों परिधार्थ चित्ते संसार पंचते दुर्भ्रमण व्यापापा शयोर्थिनाम भवति तर्कृते मयापि संपूजते यजन सद्विधिषु प्रशस्य। ओम रेम श्री श्री अनांजनेन्द्राय नमः। अनर्घ भर प्राप्ते अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। अर्घ लीजिए। शब्याने हस्तो गृहस्थस्य सोला दंदाक्षमालं फलमीश्वराख्यम अक्षम त्रिनेत्रे परितर्पयामि श्रीयोजना श्री प्रदत्त चित्तम। ओम आम क्रोम रे ईश्वरी अक्षाय नमात्रा गच्छ गच्छे श्री जिनबिंब भेदी उत्थापन विधि विलायाम इदम अर्घ्यम पाद्यम जलम गंधम पुष्पम दीपम धूपम चरुम बलिम बलिम स्वस्तिकम अक्षतम मघभागम च यजामहे प्रतिग्रहिताम प्रतिग्रहिताम स्वाहा। दोभि चतुर्भि द्विगुणं पयोजम तं विप्रतिं कुम्भ ममीष्टदानं श्रीयोजनस्य परमभृङ्गं गौरीं यजे विघ्न विघातकारीं। ओम अम क्रोम रीं गौरी देव्यै नमात्रा गच्छ गच्छे जिनबिंब भेदी उत्थापन विधि विलायाम इदम अर्घ्यं पाद्यं जलं गन्धं पुष्पं दीपं धूपं चरुं बलिं बलिं स्वस्तिकम् अक्षतं मघभागं च यजामहे प्रतिग्रहिताम प्रतिग्रहिताम स्वाहा। श्रीफल लीजिए। इक्ष्वाक वंश दिलको बसु भोज राजो यज्जन्म जातक विदो हरिणो चितो बोध तद बास भोज जिन पार्चन या पुनीता स्वामद्य तर्प कृतम चरुभि अजामी। ओम रेम श्री बांस भोजन इंद्राय नमः। अनर्घ भर प्राप्ते अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। तृते धनुर्भवो पप्राणि सप्पैरनशो चारु गदाम्बरम च धरंत मर्गामि कुमार यक्षम त्रिभिक्षमाराधिर्वासुभुजम्। ओम आम क्रोम रे कुमार यक्षाय नमात्रा गच्छ गच्छ जिनबिंब विधि उत्थापन विधि विलायाम इदम अर्घ्यम पाद्यम जलम गंधम पुष्पम दीपम धूपम चरुम बलिम बलिम स्वस्तिकम अक्षतम यज्ञभागम च यजामहे प्रतिग्रहिताम प्रतिग्रहिताम स्वाहा। लीलाम्बुजम को परिहस्त युग्मा मदोदवस्ते मुश्लिष्ट दानम तम वास भोजा पृष्ठांग रंगम गांधारी मान्ये बहुमानयामि। ओम आम क्रोमणी गांधारी देव नमात्रा गच्छ गच्छे जिनबिंब देवी द्वेदी उत्थापन विधि विलायाम इदम अर्घ्यम पाद्यम जलम गंधम पुष्पम दीपम धूपम चरुम बलिम बलिम स्वस्तिकम अक्षतम यज्ञभागम च यजामहे प्रतिग्रहिताम प्रतिग्रहिताम स्वाहा। श्रीफल लीजिए। कापिलनाथ कर कर्म गृहावतारम श्यामा जहावजन्ये सुखदम नमामि कौलाध्वजम विमलमेश्वर मद्धरेश्वन तनर्चे द्विरक्त मलहापन कर्म सिद्धि। ओम रेम श्री विमलना जिनेन्द्राय नमः। अनर्घ वर प्राप्ते अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। उद्वाष्ट हस्त बिल सर परसुम चतुर्भि खड़गा मलाक्ष मलिके टक दंड मुद्रा सही सही कर शिदरता विमलेश भक्तम नानोर्थता सन्मुख मर्चयामि। ओम आम क्रोम रिंग सन्मुख अक्षाय नमः। भाई रास्ता बीच का रास्ता छोड़ दो, बीच का रास्ता छोड़ दो, ऐसे बैठो। ओम आम क्रोम रे सन्मुख अक्षाय नमात्रा गच्छ गच्छे जिनबिंब भेदी उत्थापन विधि विलायाम इदम अर्घ्यम पाद्यम जलम गंधम पुष्पम दीपम धूपम चरुम बलिम बलिम स्वस्तिकम अक्षतम मघभागम च यजामहे प्रतिग्रहिताम प्रतिग्रहिताम स्वाहा। ऊर्ध्वेन हस्तः द्वितीयेन सर्पापदा स्तुतोन चित चाप बाणम यजे बहिंतिम विमलेश यक्षीम वेरोटिकम त्रोतृ विघ्न कोटिम।
ओम आम क्रोम रीम भे रोटी दिव्य नम त्रागछे जिन बिंब भेदी उत्तापन विधि बेलाया मेदमर्गम पद्म जलम गंधम पुष्पम दीपम रूपम चरुम बलिम बलम स्वस्ति गमक्षतम भगवागम च यजामहे प्रतिग्रहिताम प्रतिग्रहिताम स्वाहा। श्रीफल साकेत नापक नृपश्च सिंह सेना नामस्तनुज मरा नवाचित पाद परमं संपूजयामि विदारणय अनंत नाथम चतुर्जिनम सलिलाक्षतो गई। ओम रीम श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमः अनर्घ प्राप्ते अर्घम निर्वपामते स्वाहा। सपे कसाहल फलान सबप्य हस्ते विप्राण मंको ससोल सलो रोहाणी पाताल कम त्रिपण नाग शिरस त्रिवक्ता मर्श्याम अनंत जिन मादर तोर चयंत। ओम आम क्रोम रीम है नीचे है। ओम आम क्रोम रीम पाताल अक्षाय नमात्रा गच्छ गच्छ जिन बिंब भेदी उत्तापन विधि वेलाया मेदम अर्घ्यम पाद्यम जलम गंधम पुष्पम दीपम धूपम चरुम बलिम बलम स्वस्तिगम अक्षतम व्यग्रभागम च यजामहे प्रतिग्रहिताम प्रतिग्रहिताम स्वाहा। अज जदम्लोतम मातुलिंगम निशांतवाणम तदिष्ट सानम समर्चितानंत मति प्रसन्ना भूया ध्यानांत जिनेन्द्र यक्षी। ओम आम क्रोम ने अनंत मति दिव्य नमात्रा गच्छ जिन बिंब विधि उत्थापन विधि वेलायाम इदम अर्घ्यम पाद्यम जलम गंधम पुष्पम दीपम धूपम चरुम बलिम बलम स्वस्तिगम अक्षतम यज्ञभागम च यजामहे प्रतिग्रहिताम प्रतिग्रहिताम स्वाहा। श्रीफल लीजिए। धर्मांत सोपित तो सर दीन दिदार्य किम किम नाट जनता हित मर्वे दर्शी श्री धर्मनाथ भवते ति सदर्थ नामा संप्राप्यते चर्चन विधि पुरता करोमि। ओम रेम श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः अनर्घ भर प्राप्ते अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। अर्घ चक्रम पापम चांकुश मुद्वहंतम सपै परे मुद्गर मक्षमालम परम च संसेवित धर्मनाथम त्रिवत्रकम किन्नर मर्चयामि। ओम आम क्रोम ने किन्नर यक्षाय नमः अत्रा गच्छ गच्छ जिन बिंब भेदी उत्तापन विधि वेलायाम इदम अर्घ्यम पाद्यम जलम गंधम पुष्पम दीपम धूपम चरुम बलिम बलम स्वस्तिगम अक्षतम यज्ञभागम च यजामहे प्रतिग्रहिताम प्रतिग्रहिताम स्वाहा। अम्बोरोहम कार्मुकमिष्टदानम दत्ते कुशम मार्गण मोत्पलम च ददात वे धर्म जनेश यक्षी या मानसी मां बहुमानयामि। ओम आम क्रोम रीम मां मानसी देवे नम अत्र आगच्छ आगच्छ जिनबिम उत्तापन विधि वेलायाम इदम अर्घ्यम पाद्यम जलम गंधम पुष्पम दीपम धूपम चरुम बलिम बलम स्वस्तिगम अक्षतम भगभागम च यजामहे प्रतिग्रहिताम प्रतिग्रहिताम स्वाहा। तो नाट जिन जनमनि सन्निकाया जीवा सुखम नरूपम भोक्षुन शंकम किम नाम तस्मित नाकुल मान सोहम भोक्षे न सत्वर मतोर्चन मारवेया। ओम रेम श्री कुंतुनाथ जिनेन्द्राय नमः अनर्घ प्राप्ते अर्घम निर्वपामिते स्वाहा। उर्दाद हस्तोर्द्ध नागपाशा मदोद वस्ता श्री चाप पाणम कंदर्भ यक्षेश्वर कुंतुनाता सेवितुतानंद तुमर्चयेतम। ओम आम क्रोम ने गंधर्व अक्षाय नमः त्रागच्छ गच्छ जिन बिंब उदय उदयदी का उत्थापन विधि वेलायाम इदम अर्घ्यम पाद्यम जलम गंधम पुष्पम दीपम धूपम चरुम बलिम बलम स्वस्तिकम अक्षतम भगभागम च यजामहे प्रतिग्रहिताम प्रतिग्रहिताम स्वाहा। चक्रम समाकांत विरोध चक्रम शंकम स्वभंकार कृतारि वेतम अत्युग्र खड्गम परमा दधानम यजे जयम कुंत जिनेन्द्र यक्षिम। ओम आम क्रोम ने जया दिव्य नम त्रागच्छ गच्छ जिन बिंब वेदिका उत्तापन विधि वेलायाम इदम अर्घ्यम पाद्यम जलम गंधम पुष्पम दीपम धूपम चरुम बलिम बलम स्वस्तिगम अक्षतम यज्ञभागम च यजामहे प्रतिग्रहिताम प्रतिग्रहिताम स्वाहा। श्रीफल लीजिए। सदर्शन फुलुप सुदर्शन भूप पुत्रम त्रैलोक जीव वर रक्षण हेतु मित्रम श्री मित्र सेन जन्ने खनिरत्न मर्चे श्री पुष्प चंद्र वरनाथ जिनेन्द्र मर्गम। ओम रीम श्री अरनाथ जिनेन्द्राय नमः अनर्घ प्राप्ते अर्घम निवपामते स्वाहा। सपै करेरे सरासन वज्र पाशा संबुध गरा गरां कुश बरान परे धरंतम बाणं बोजोरो फल माल्य पराक्ष माला लीला यजाम रमितम त्रिशम सकेन्द्रम। ओम आम क्रोम रीम केन्द्र यक्षाय नमः इदम अर्घ्यम देवदी जिनबिम उत्थापन विधि वेलायाम इदम अर्घ्यम पाद्यम जलम गंधम पुष्पम दीपम धूपम चरुम बलिम बलम स्वस्तिगम अक्षतम यज्ञभागम च यजामहे प्रतिग्रहिताम प्रतिग्रहिताम स्वाहा।
स्वर्णाभाम हंसगम सर्प मृग वज्रो वरम धुरम चाये धाराम बतिम त्रिंसद चापोच प्रभु भक्ति काम ओम आम क्रोमी तारावती मा दिव्य नमात्रा गागे जिन बिम्ब भेदी काम उत्तापन विधि वेलाया मिदमर्गम पद्म जलम गंधम पुष्पम दीपंदूपम चरुम बलिम फलम स्वस्तिगम अक्षतम यज्ञवागम च यजामहि प्रतिग्रहिताम प्रतिग्रहिताम स्वाहा। श्रीफल लीजिए। कुंदोद्भवम धरणि दुःखहरम प्रजावा दानंद कारक मतंद्र मुनीन्द्र शेप्यम श्री मल्लिनाथ विभमद्वर विघ्न शांतई संपूज्य जल सुचंदन पुष्प दीपै ओम ह्रीं श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्राय नमः अनर्घ भर प्राप्ते अर्घम निर्वपामिते सपै करे फलक कारमुख दंड पद्मा नन्नी कृपाण सर्पाश वरांदधानम दुर्वारे वीर चतुनानन पूजयेतम श्री मल्लिनाथ पद भक्त कुबेर यक्षम ओम ह्रीं श्री कुबेर ओम आम क्रोमी कुबेर यक्षाय नमात्रा गच्छ जिन बिम्ब भेदी काम उत्तापन विधि वेलाया मेदमर्गम पद्म जलम गंधम पुष्पम दीपम धूपम चरुम बलिम फलम स्वस्तिगम अक्षतम यज्ञवागम च यजामहि प्रतिग्रहिताम प्रतिग्रहिताम हस्तद्वयेन परमेटन कृपाण मन्ने फल प्रदानम उद्विप्रति मल्लिजने श्रीयक्षे गृणात पूजाम पराजिते हम ओम आम क्रोमी अंजा दिव्य नमात्रा गच्छे जिन बिंब वेदिका उत्तापन विधि वेलाया मेदमर्गम पद्म जलम गंधम पुष्पम दीपम धूपम चरुम बलिम फलम स्वस्तिगम अक्षतम यज्ञभागम च यजामहि प्रतिग्रहिताम प्रतिग्रहिताम स्वाहा। हाँ अर्घ श्रीफल लीजिए। राजस्व राज हरिवंश नवो विभस्मान बप्पे काम प्रेषदो मुनि सुब्रताख्या संपूज्येषु पद प्रतिपत्ति हेतु यज्ञे मया विविध वस्तु रहेष्मिन् ओम ह्रीं श्री मुनिसुब्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः अनर्घवत् प्राप्ते अर्घम निर्वपामिते स्वाहा यजामहि प्रतिग्रहिताम प्रतिग्रहिताम स्वाहा। श्रीफल। सन्मैथिलेश विजयावग्रहे वतीर्णा कल्याण पंचक समर्पित पाद परमम धर्मामुवाहि परिपोषित सभव्य शस्यम नित्यम नमम जिनवरम महिषार्चयामि ओम ह्रीं श्री नमिनाथ जिनेन्द्राय नमः अनर्घव प्राप्ते अर्घम निर्वपामिते स्वाहा। या खेड खड़गौ दृढ़ चाप बाणौ छिन्नम भुजे चक्रवरो दधाना अष्टाष्टकेणौघ चतुर्मुखम तम नमीश यक्षम भ्रुकुटम यजामि ओम आम क्रोम ह्रीं भुटि यक्षेन्द्र भूषण अश्वसेन नेत्रम प्रिया कमट साठ विखंडनेनम पद्माहि राज विबुध ब्रज पूजनांकम वंदे श्रियामि श्रीशानत मौलिनीता ओम ह्रीं श्री पार्श्वांजनेन्द्राय नमः अनर्घव प्राप्ते अर्घम निवपामते स्वाहा। सभ्यै तराभ्यां मुप्रस्थिताभ्यां योपासकी पाशवरो पराभ्यां तत्तेन मेनम मणिमूलचूर्णं पार्श्वेश यक्षं धरणं दधौमि ओम आम क्रोमी पार्श्वांजन शासन यक्ष धरणेन्द्रक्षाय नमात्रा गच्छ जिन बिंब भेदी काम उत्तापन विधि वेलाया मेदमर्घ्यम पद्म जलम गंधम पुष्पम दीपम धूपम चरुम बलिम फलम स्वस्तिगम अक्षतम यज्ञभागम च यजामहि प्रतिग्रहिताम प्रतिग्रहिताम स्वाहा। सनात ये श्रीफल दे रहा श्रीफल चढ़ाना जो जो अर्घ आ रहा है इसमें श्रीफल चढ़ाना पाशा पाशा दानवे षड भुजारी जयदाम दाता चतुर्विंशति संख्या दादी वान करा सुधति या कोर शांति अर्थदा शांति संकुश पारी जाक्ष मणि सरदान चतुर्भि करी युक्ताम तम प्रजयामि पार्श्व विनताम परमस्त परमावतीम ओम आम क्रोम ह्रीं पार्श्वनाथ जिन शासन यक्षी परमावती मा देवी नमात्रा गश जिन बिंब वेदिकाम उत्थापन विधि वेलाया मेदमर्घ्यम पद्म जलम गंधम पुष्पम दीपम धूपम चरुम बलिम फलम स्वस्तिगम अक्षतम यज्ञभागम च यजामहि प्रतिग्रहिताम प्रतिग्रहिताम स्वाहा। देखिए अशोक जी, जो भी माताएं अंदर बैठी है उनसे कह दो कि ओम ह्रीं मरमसी उसनामा की जाप करती रहे तब तक। श्रीफल। सिद्धार्थ भूपति गणेन पुरस्क्रियाया मानंद तांडव विदेश अनुशंसे श्री शेण कैन सही से द्रव भूपदात्तई यज्ञ श्याम बर वीर जिनेन्द्र मश्मिन ओम आम क्रोम ह्रीं श्री महावीर ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः अनर्घ भर प्राप्ते अर्घम निर्वपामते स्वाहा।
यो विवर्तयो मूर्धनि धर्म चक्रम फलम च वामेन वरम परेण करेण तम सेवितवर्धमानम आतंग यक्षम महिनम महितम महामि ओम आम क्रोम रीम आभिजन शासन शास मातंग यक्षाय नम अत्रागच्छा गया जिनबम वेदिका मुत्तापन विधि वेलायाम इदम अर्घम पद्म जलम गंधम पुष्पम दीपम धूपम चरुम बलिम बलम स्वस्तिकम अक्षतम यज्ञभागम च यजामहे प्रतिग्रहिताम प्रति प्रतिग्रहिताम स्वाहा विवर्तया पुस्तक मिष्टदानम सभ्यास सभ्येन करद्वयेन भद्रासनामाश्रितवर्धमानम सिद्धायिकम सिद्धकरम यजेताम ओम आम क्रोम रीम आभिजन शासन यक्षी सिद्धायनि देवे नम अत्र आगच्छागच्छे जिन बिंब वेदिका मुत्तापन विधि वेलायाम इदम अर्घ्यम पाद्यम जलम गंधम पुष्पम दीपम धूपम चरुम बलिम बलम स्वस्तिकम अक्षतम यज्ञभागम च यजामहे प्रतिग्रहिताम प्रतिग्रहिताम स्वाहा चंदम कुमदांजन बामनम पुष्तंतु द्वारे स्थापयम अंदर बैठ के मंत्र सुनो सारे चतुर द्वारपाल देवताय स्वाघन विवृदाय जिन बिंब वेदिकम उत्तापन विधि वेलायाम इदम अर्घ्यम पाद्यम जलम गंधम पुष्पम दीपम धूपम चरुम बलिम बलम स्वस्तिकम अक्षतम यज्ञभागम च यजामहे प्रतिग्रहिताम प्रतिग्रहिताम स्वाहा चंद्रा आगत्यो मे सानुसरा स्वचिन्ना स्वं संप्रचित जिन पूजा विधानी ओम आम क्रोम रे इंद्र आगच्छा गच्छा इंद्राय स्वाहा ओम आम क्रोम रे अग्नि आगच्छा गच्छ अग्नि स्वाहा ओम आम क्रोम रे यम आगच्छा गच्छ यमाय स्वाहा ओम आम क्रोम रे नेत्र आगच्छणताय स्वाहा ओम आम क्रोम रे वरुण आगच्छा गच्छ वरुणाय स्वाहा ओम आम क्रोम रे पवन आगच्छा गच्छ पवनाय स्वाहा ओम आम क्रोम रे कुबेर आगच्छा गच्छ कुबेराय स्वाहा ओम आम क्रोम ने ईशान आगच्छा गच्छ ईशानाय स्वाहा ओम आम क्रोम ने धरणेन्द्र आगच्छा गच्छ धरणेन्द्राय स्वाहा ओम आम क्रोम ने सोम आगच्छा गच्छ सोमाय स्वाहा कर दीजिए श्री फल लीजिए नाथ त्रिलोक महिताय दश प्रकार धर्म आम भ्रष्ट परिशिक्त जगत त्रयाय हर गम महार गुण रत्न महान वाया तोभ्यम ददामि कुसुमै विशदाक्ष दैश्य ओम आम क्रोम ने इंदार दिग्पाल देवता स्वागण विप्रदाय जिन बिंब वेदिका मुत्तापन विधि वेलायाम इदम अर्घ्यम पाद्यम जलम गंधम पुष्पम दीपम धूपम चरुम बलिम बलिम स्वस्तिकम अक्षतम यज्ञभागम च यजामहे प्रतिग्रहिताम प्रतिग्रहिताम स्वाहा ओम आम क्रोम रे रोहिणी आदि षोडश महाविद्या देवता अत्र आगच्छागच्छे जिन बिंब वेदिकाम उत्तापन विधि वेलायाम इदम अर्घ्यम पाद्यम जलम गंधम पुष्पम दीपम धूपम चरुम बलिम बलिम स्वस्तिकम अक्षतम यज्ञभागम च यजामहे प्रतिग्रहिताम प्रतिग्रहिताम स्वाहा ओम आम क्रोम रीं ज्यादि अष्टमहादेवता अत्र आगच्छागच्छे जिन बिंब वेदिकाम उत्तापन विधि वेलायाम इदम अर्घ्यम पाद्यम जलम गंधम पुष्पम दीपम धूपम चरुम बलिम बलम स्वस्तिकम अक्षतम यज्ञभागम च यजामहे प्रतिग्रहिताम प्रतिग्रहिताम स्वाहा ओम आम क्रोम रीं श्री रिद्धि कृति बुद्धि शांति पुष्टि लक्ष्मी देवी अत्र आगच्छागच्छ आगच्छे जिन बिंब वेदिकाम उत्तापन विधि वेलायाम इदम अर्घ्यम पाद्यम जलम गंधम पुष्पम दीपम धूपम चरुम बलिम बलम स्वस्तिकम अक्षतम यज्ञभागम च यजामहे प्रतिग्रहिताम प्रतिग्रहिताम स्वाहा श्रीफल ले लो तीन फल तीनों जगह तीनों वेदी पे एक एक श्रीफल दो लाय धरेशो वरग बनायो भोजन दायो तोर बजायो नृत्य करे परमापति माता जग विख्याता दे मोशाता मोद भरी में तुम गुण गाओ वर्ष बढ़ाऊ बल बल जाऊं धन्य घड़ी ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरम श्री पार्श्वनाथ भक्त धनंद भार्या परमाधिमा देवी चेतपाल बाबा धनंद बाबा समाजी शासन देव देवता कुल देव देव कुल देव देवता भूमि देवता वास्तु देवता क्षेत्र नवग्रह रोणी आदि
षोड़श महाविद्या देवता अत्र आगच्छागच्छ श्री दिगंबर जैन समाज देहरादून सपरिवार से वृद्धम वृद्धम शोकम आरोग्यम कुरु कुरु जिनबिंब वेदिका मुत्तापन विधि वेलायाम इदम अर्घ्यम पाद्यम जलम गंधम पुष्पम दीपम धूपम चरुम बलिम बलम स्वस्तिकम अक्षतम यज्ञवागम च यजामहे प्रतिग्रहिताम प्रतिग्रहिताम स्वाहा। एक अर्घ लीजिए गुरुदेव के चरणों में। हरिमानो के ताले जो ये नैनों में जल भर लाया चरणिम बाबों के सरल शब्द पुष्प दंदुल लाया तन ने वेद बना मन दीपक मदयोवन के धूप जला तव पद में अर्पित कर शीतल भोजन का यह अर्घ बना तन मन धन अर्पण किया दान कुछ विशेष अष्ट द्रव से पूज कर पाओ गुरु का वर्तमान आचार्य परंपरायाम आचार्य श्री शांति सागर आचार्य श्री सूर्य सागर आचार्य श्री विजय सागर आचार्य श्री विमल सागर आचार्य श्री निर्मल सागर आचार्य श्री वाष्पू सागर आचार्य श्री विभुद्ध सागर दस शिष्य शुलक्षी समर्पण सागर महाराज चरण अरविंद पूनमा अनर्घवर प्राप्त अर्घम निर्वपामिते गुरु जी अंदर आ जाइए। देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की बोले 24 तीर्थंकर भगवान की बोले पंच परमेष्टी भगवान की बोले मोहित गौरव ये जो अंदर जो भी हैं सभी लोग थोड़ा सा रास्ता बीच में दे देंगे आ जाएंगे सब लोग यहाँ पद्मावती की वेदी में जो मोहित वो भी आ जाए मेरी आवाज़ सुन रहे हो आ जाइए सब लोग आ जाइए इधर देखिए पैंट शर्ट वाले थोड़ा सा पीछे हो जाओ विजय जी थोड़ा सा पीछे हो जाओ जिन्हें जितेन जी थोड़ा पीछे हो जाओ आ जाओ इधर आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा बढ़ जाओ आगे आ जाओ हाँ ये इसके नीचे रख दे बेटा इसके नीचे रख दे उसको वो तो पाषाण की है आज भगवान पार्श्वनाथ के इस पावन जिनालय का उत्थापन विधि हम लोग यहां पर करने जा रहे हैं। पद्मावती की विधि पार्श्वनाथ भगवान के ये निर्वाण कल्याणक का पावन महामहोत्सव आज के ही दिन भगवान पार्श्वनाथ ने लगभग आज से 2800 वर्ष पूर्व सम्मेत शिखर से निर्वाण पद को प्राप्त किया। तीर्थंकरों के रूप में सम्मेत शिखर से निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ रहे और सर्वाधिक महत्ता भी जब सम्मेत शिखर में आप देखें तो भगवान पार्श्वनाथ की सर्वाधिक हमें नजर आती है। पूरे भारत वर्ष में यदि भगवान पार्श्वनाथ के जिन बिंब जिन प्रतिमाएं जिन मंदिर अतिशय क्षेत्र आदि सर्वाधिक हमें देखने के लिए मिलते हैं। देहरादून में भी यहाँ पर जैसे कि पुराने मंदिरों को यदि हम देखें तो राजपुर में प्राचीन चंद्रप्र भगवान का मंदिर है उसके बाद में झंडे बाजार में भगवान पार्श्वनाथ का है सरनीमल हाउस में चंद्रप्र भगवान का है राजपुर में भी चंद्रप्र भगवान का है और भगवान महावीर स्वामी का जैन धर्मशाला में है उसके बाद में आदिनाथ भगवान का माजरा में निर्माण हुआ और अब ये पार्श्वनाथ भगवान का है। यदि जब हम देखें तो सर्वप्रथम प्राचीन मंदिर की बात करें तो राजपुर का और झंडे माना जाता है और बाकी शेष तीनों मंदिरों का निर्माण इस लगभग 50 साल के अंदर अंदर हुआ। उस नव निर्माण में ये मंदिर का प्रथम निर्माण चैत्यालय के रूप में यहाँ पर हुआ जिसको लगभग हो गए अम्मा आपको नहीं मालूम तो लगभग वो मसूरी रहते थे ना पहले जो लोग यहाँ पर लगभग लंबे समय से
परिवार कुछ रह रहे जिन्होंने जिनके परिवार ने बाहर से आकर जब यहाँ पर बसे तो उन्होंने सर्वप्रथम अपने लिए जगह खरीदी, तो उसके साथ साथ में उस परिवार ने एक मंदिर के लिए भी जगह पहले से ही खरीद कर रखी। हम आज उन लोगों को भी याद करते हैं, जैसे स्वतंत्रता की वर्षगांठ है, हम उन लोगों को याद करते हैं कि जिन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम में अपना योगदान दिया। उसी तरह से हम उस परिवार को भी याद करते, उस व्यक्तित्व को भी याद करते हैं। किन्ने जमीन खरीदी थी है? विमल? नहीं, जमीन किसने खरीदी थी? जिन्होंने कीर्ति देवी मानसरोवर कॉलोनी ने ये जगह खरीदी, अजीत प्रसाद जी, विमल प्रसाद जी, जिन्होंने इस मंदिर के लिए अपनी भावना भाई कि आने वाले समय में देहरादून समाज इधर भी होगा तो उनके लिए मंदिर होना परम आवश्यक है। तो सभी वहां पर उन लोगों ने मंदिर का यहाँ पर निर्माण उस समय चैत्यालय के रूप में किया, जितनी आवश्यकता समझी उसके रूप में किया और ये मंदिर का निर्माण हुआ। देखिए, हम लोग बाद में आए या किसी ने कोई योगदान दिया, किसी ने कोई योगदान दिया, वो अलग बात है, लेकिन जिसने शुरुआत की वो बहुत बड़ी बात है। शुरुआत करने वाला आज उसकी शुरुआत का ही परिणाम है कि हम इस मंजिल तक, इस अवस्था तक पहुंच पा रहे हैं। आज हम अध्यक्ष बन जाए, मंत्री बन जाए, उपाध्यक्ष बन जाए, कोषाध्यक्ष बन जाए, मंदिर कार्यकारिणी में आ जाए, हम तो सिर्फ एक संवाहक है, लेकिन वो वास्तव में पुण्यशाली और सौभाग्यशाली, उनकी भावनाएं देखे कितना बड़ा भूखंड उन्होंने उस समय मंदिर के नाम पहले से ही करके रखा और लंबे समय तक रमेश चंद जी भी इसकी देखरेख यहाँ पर करते रहे। आज वो हमारे मध्य वो सभी लोग नहीं हैं और शायद एक दिन हम भी नहीं होंगे। इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं कि हम कोई अजर अमर तो है नहीं कि हम यहाँ पर नहीं होंगे। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि अपन लोग भी नहीं होंगे, लेकिन मंदिर यही होगा। लगभग जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि 48 साल, लगभग 47-48 साल इस मंदिर के निर्माण को हो गए और 47-48 साल से यहाँ पर निरंतर अभिषेक और पूजा अर्चना सर्दी गर्मी बरसात में अच्छी और विपरीत परिस्थितियों में, सभी परिस्थितियों में यहाँ पर पूजा अर्चना निरंतर होती रही है। और ये पूजा अर्चना जो यहाँ पर निरंतर होती रही है उसी के ही परिणाम स्वरूप है कि इतने विधि विधानों के माध्यम से, देखिए महत्वपूर्ण भीड़ नहीं है, महत्वपूर्ण धन नहीं है, महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, कोई ये प्रतियोगिता नहीं है, यानी कि कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण जो है वह जो विधि विधान है जो इस स्थान पर, क्योंकि इस स्थान पर लगभग पिछले 45-48 साल से निरंतर पूजा अर्चना हवन विधान जो भी क्रियाएं आपके द्वारा की गई, आप लोगों ने जाप आदि की, पता नहीं कितने देवगण परोक्ष रूप में यहाँ पर आए होंगे और उन्होंने परोक्ष रूप में आकर यहाँ पर अपनी पूजा अर्चना की होगी जिसको हमने इन आँखों से कभी नहीं देखा होगा। तो आज ऐसे इस पावन अवसर पर भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक का हमें निमित्त बनाया कि आज के ही दिन भगवान पार्श्वनाथ ने निर्वाण पद को प्राप्त किया और आज ही हम भगवान का इस स्थान से, मूल स्थान में जहाँ विराजमान थे वहाँ से उनका परिवर्तन करके अस्थायी रूप से उन्हें दूसरे स्थान पर विराजमान करने जा रहे हैं। आप जहाँ पर अभी बैठे हुए हो लगभग यहाँ से 7-8 फीट का हिस्सा छोड़कर
ये परिक्रमा का हिस्सा होगा आप जहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, और लगभग संभवतः यहाँ से इधर तक लगभग मंदिर का निर्माण होगा, और जहाँ वेदी है बस वेदी के सामने ही लगभग वेदी का भाग वहाँ पर आएगा, और ये मंदिर थोड़ा सा इधर जाएगा, और एक बहुत सुंदर व्यवस्था के साथ आपको भगवान पार्श्वनाथ पद्मावती धर्णेन्द्र क्षेत्रपाल के रूप में ऐसे त्रिमूर्ति यक्ष यक्षिणी सहित इस तरह का मंदिर का निर्माण यहाँ पर होगा, और परिक्रमा पूरे मंदिर की करेंगे। इस तरह की व्यवस्था गर्भगृह बनेगा, जिस गर्भगृह में समस्त अंतर वास रहेगा वहां पर गर्भगृह में हर किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा, जो शुद्ध अवस्था में कपड़े के साथ होगा उन्हीं को प्रवेश मिलेगा। पद्मावती माता के गर्भ में भी, क्षेत्रपाल के गर्भ में भी, चाहे वो माताएं हो चाहे बहन हो, उन लोगों को ही जो शुद्धि के साथ वस्त्रों के साथ आएंगे उन्हीं को प्रवेश मिलेगा। यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ के साथ साथ में हम चर्चा करेंगे 8 और तीर्थंकर, इसमें नवग्रह अरिष्ट निवारक विराजमान होंगे। मानस स्तंभ में भी 8 प्रतिमाएं विराजमान होंगी, 4 ऊपर और 4 नीचे। कितनी प्रतिमा हो गई? 8 और 8, 16 प्रतिमा हो गई, और उसके बाद 4 प्रतिमाएं शिखर में विराजमान होंगी। लगभग इस तरह से 20-21 प्रतिमाएं यहाँ पर नूतन, और मैं समझता हूँ कि इतनी सारी किसी भी देहरादून के मंदिर में इस तरह की व्यवस्था नहीं मिलेगी। ऐसे 8 प्रतिमाओं से युक्त मानसतम पूरे उत्तराखंड में, देखिए मैंने हल्द्वानी में बनाया वो 4 प्रतिमा वाला है, हरिद्वार में बाद में बना वो भी 4 प्रतिमा वाला है, टिहरी में सबसे पहले मैंने ही बनवाया था वो इंद्र मानसतम, वो भी 4 प्रतिमाओं से युक्त है, लेकिन ये पूरे उत्तराखंड का पहला मानसतम होगा जहाँ पर 8 जिनबिंब युक्त मानसतम का निर्माण होगा। उसके बाद वर्तमान में पूर्व में देखिए बहुत सारे जिनालय रहे होंगे, मैं नहीं कह सकता, वर्तमान में पार्श्वनाथ पद्मावती धर्णेन्द्र क्षेत्रपाल से युक्त इस तरह से भिन्न भिन्न, देखिए हल्द्वानी में बना वहां पर भी क्षेत्रपाल पद्मावती विराजमान हुई, लेकिन अलग अलग गर्भगृह में इस तरह से भव्य प्रतिमाओं के साथ में ये उत्तराखंड में भी पहला ही मंदिर इसमें भी होगा इस वर्तमान में, जिसमें 24 भुजा से युक्त पाषाण की बहुत सुंदर बड़ी प्रतिमा पद्मावती की होगी, और क्षेत्रपाल के साथ साथ धर्णेन्द्र की प्रतिमा भी उतनी बड़ी होगी, और क्षेत्रपाल भी होंगे, और बाकी कई सारी योजनाएं हमारी हैं वो आपको बताई जाएगी। अभी मुख्य विधि है भगवान को इस स्थान से हमें उस स्थान तक ले जाना है, इस स्थान को खाली करना है, जिससे कल के बाद इस स्थान का सब यहाँ से हटा दिया जाएगा, यानी कि इसको खाली करके पूरा तोड़ फोड़ हो जाएगी इसके साथ में। इसलिए पंडित जी ने लगभग 1 घंटे से, आप लोग थे नहीं थे उस बात की चिंता नहीं थी हमें, लेकिन हमें तो चिंता है अपने विधि विधानों की, जो हमें मंत्र उच्चारण चाहिए जो चाहिए वो पंडित जी लगभग पिछले 1 घंटे से लगातार करते रहे, और वही महत्वपूर्ण है। देखिए जिस दिन बात हुई कि भाई पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक है, सबने अपने अपने विचार रखे, 15 दिन पहले यहीं हमने बैठ के मीटिंग की, सबने अपने अपने विचार रखे, कोई के घेंडे बाजार में भी कार्यक्रम है, धर्मशाला में भी है, वहाँ भी है, लोग बैलना भी जाते, लोग सम्मे शिखर भी जाते, इधर भी जाते, अरे को लोग कम आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, सब बातें थी। तब भी मैंने एक ही बात कही थी कि हमें तो एक सौदर महेंद्र मिल जाए तब भी हमारा काम चल जाएगा, और तुम कोई नहीं भी आओगे, और जब उस दिन काम करना ही है तो पंडित जी हम आप मिलके ही कर लेंगे, उसके बाद कोई आए चाहे ना आए। देखिए मैंने आपसे कल भी कहा, यह हर किसी के सौभाग्य में नहीं होता है, बहुत लोगों के पास पैसा है, बहुत लोगों के पास समय है, जितना समय
हम लोग मंदिर में नहीं खर्च करते, उससे ज्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक में समय घर बैठे बैठे खर्च कर देते। आधा टाइम सिर्फ एक दूसरे को पोस्ट करने में और लाइक करने में, उस पे कमेंट्स करने में खर्च कर देते। इतना शायद हम भगवान का नाम भी नहीं ले पाते हैं। समय सबके पास है, पैसा भी सबके पास है, लेकिन हर किसी का पैसा अच्छे काम में प्रयोग हो ऐसा संभव नहीं। बहुत लोग चाहते हैं जीवन में, मैं अपने एक जीवन की बात बताऊं, हमारे अपने गांव की बात बताऊं। एक बुजुर्ग बाबा जी थे, बहुत धार्मिक परिवार थे, हम उनको भूपा जी कहते थे, बुआ बुआ कहते थे, क्योंकि उनके परिवार में हमारी मौसी की बेटी की शादी हुई थी और उनके यहां उनकी बुआ के रूप में थी। अब जब उनका अंतिम समय आया, बहुत धार्मिक थे, घर में चैत्यालय था, रोज अपना पूजा पाठ करते थे। जब अंतिम समय आया, उन्होंने बहुत भावना भाई कि मुझे किसी साधु का सानिध्य मिल जाए और मेरा समाधि पूर्वक मरण हो जाए, मेरी अंतिम श्वास किसी साधु सन्निधि में व्यतीत हो जाए। आप यकीन नहीं करोगे, कोई दूर दूर तक साधु नजर नहीं आया उस समय। यह 80 दशक की बात मैं आपको बता रहा हूं, और उनके घर में ही प्राण निकले। और एक 99 की बात कर रहा हूं, शिकोहाबाद की, एक अच्छे विद्वान साधु भी विराजमान। जब उनकी स्थिति खराब हुई, उन महाराज ने बच्चों को समझाया, भाई इतने बड़े पंडित रहे, इनका मरण अच्छे से करवा लो, कम से कम भगवान के नाम सुन ले। वो बच्चे उठाकर उनको मंदिर में ले आए। हम 10 किलोमीटर दूर थे, वहां एक महाराज विराजमान थे, जिनका हमारे यहाँ 2013 में आचार्य सूर्य सागर जी चातुर्मास करके गए, बहुत भारी शरीर वाले, आपने ध्यान हो किसी को, तो वो वहां पर थे। हम 10 किलोमीटर दूर थे, उनका हमारे पास खबर आई कि भाई इस तरह से समाधि होनी है, पंडित जी है, उनकी दीक्षा होनी है, आप लोग आ जाओ। आहार के बाद हम निकलने की सोच रहे, सुबह 8-9 बजे खबर आई कि चलो भाई आहार के बाद जाएंगे। 11 बजे उनकी दीक्षा का तय कर दिया। एक दिन पहले ले आए, तब वो कोमा में थे, बिल्कुल अचेत अवस्था में थे, और जब दूसरे दिन उनके पास लाए, सुबह पता चला कि उनको होश आ गया। 10 बजे बच्चों की नियत बदल गई, बच्चों की नियत 10 बजे बदल गई, और 10 बजे बच्चे बोले नहीं नहीं महाराज जी, हम नहीं दीक्षा कराएंगे, इनको हम घर ले जा रहे हैं। महाराज ने बहुत समझाया, बोले नहीं नहीं हम तो घर ले जाएंगे, और उठा के उनको घर ले गए। महाराज का हमारे पास खबर आई कि बोले भाई तुम रहन दो, तुम मत 10 किलोमीटर खामा का तुम चल के आओगे, रहने दो। वो तो उनको घर लेके चले गए, अब वो नहीं चाहते उनको दीक्षा समाधि स्मरण करना। और आप यकीन नहीं करोगे, 10 बजे करीब ले गए और 1 बजे घर जाके उनके प्राण निकल गए। भाग्य में यदि कष्ट हो तो बुद्धि पहले भ्रष्ट हो, सीख नहीं भाए कभी। सब साधन उपलब्ध, इसी तरह से कहते कि प्रत्येक जीव के पास, प्रत्येक व्यक्ति के पास सब साधन है, लेकिन हर किसी का साधन अच्छे काम में प्रयोग, परोपकार में नहीं होता है। धन है, प्रत्येक व्यक्ति का औषधि में नहीं लगता है, प्रत्येक का अभय में नहीं लगता है, प्रत्येक का आहार दान में नहीं लगता है, प्रत्येक का ज्ञान दान में धन नहीं लगता है, आप समझ सकते हैं। तो ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति का सौभाग्य नहीं है। मैं कहता हूं जिनको ये विधि करने और सुनने के लिए मिली, वो सभी सौभाग्यशाली है। पंडित जी का मेरे पास फोन आया, बोले महाराज जी अभी तक तो मंदिर में कोई आया नहीं, मैं कहो तो विधि चालू कर दूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सौदर महेंद्र को लेके आ रहा हूँ, उसके बाद शुरू कर देना। लेकिन आप देखिए धीरे धीरे इतने लोग एकत्रित हो गए, लगभग 6:30 बजे से विधि प्रारंभ हो गई थी, और 6:30 बजे से लेकर 7:45 बजे तक, 15 मिनट से मैं ही भाषण कर रहा हूँ, 7:45 बजे तक पंडित जी ने सारी विधि संपन्न करी। अब मुख्य विधि है भगवान को उस स्थान से, यहाँ से लेकर बाहर ले जाकर विराजमान करना है, और उसके बाद हम अंदर बाद में विराजमान करने का। अभी तो सिर्फ भगवान को मूल स्थान से चलायमान करना है, अभी तक वो स्थिर है,
उनको चलाए मान करना है। तो मैं चाहता हूँ आप में से, क्योंकि किसी से इससे कराऊं, इससे कराऊं, इससे कराऊं तो बड़ी दिक्कत होगी। वो बोले इससे क्यों कराई, उससे क्यों कराई, जिसने स्थापित की मुझे नहीं पता, किसने स्थापित की, परमानेंट करी मुझे भी नहीं पता। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आज इस स्थान से, क्योंकि जो व्यक्ति स्थान से भगवान को ले जाएगा, समझ लीजिए वही मंदिर का निर्माण करा देगा वही व्यक्ति। क्योंकि अब तक रोज बातें चल रही थी, पिछले 6 साल से बातें चल रही थी, और 6 साल बाद आज समय आया। 2015 से बात चल रही है, भगवान जाना ही नहीं चाह रहे दूसरे स्थान पे, और आज ये किसका समय आया है, आज ये अवसर आया है। तो मैं चाहता हूं कौन सौभाग्यशाली होगा जो भगवान को आज इस स्थान से वहां बाहर मंडप में विराजमान करेगा, फिर अंदर कौन विराजमान करेगा वो समय बताएगा। वो एक विधि पूर्वक एक बोली के माध्यम से हम चयन करेंगे। आए कहां से शुरुआत, बोले पार्श्वनाथ भगवान के, जैसे गुरुदेव ने कहा अभी पहले समय नहीं था, 6 महीने पहले, 6 साल पहले भगवान चाहे नहीं रहते कि हम यहाँ से जाएं। आज लेकिन सन 2021, 21 का मतलब 20 नहीं, 19 नहीं, 21, 21 बढ़ोतरी का सूचक माना जाता है। 2021 का समय आया, भगवान कह रहे 2021 में जाऊंगा भाई मैं। जब यहाँ से जाने के बाद 21-21 होता चला जाएगा, बढ़ता चढ़ाएगा, बढ़ोतरी का समय आ गया है। हाँ ना, 20 में शादी नहीं करते जी, नहीं करते जी, विशेषकर लड़कियों की तो करते ही नहीं है जी। तो आज भगवान की जो उत्थापन विधि मैन भगवान को जो अस्थिर करेगा, उसके बाद यहाँ से लेके जाने का सौभाग्य जिसको प्राप्त होगा उसके लिए एक पात्र का चयन करना है। हाँ, बाहरी बाहर जो सिविल ड्रेस में है, यदि वो बोली लेना चाहें तो वो भी बोली ले सकते हैं। आपको वस्त्र चेंज करने का समय दिया जाएगा। हाँ जी, बाहर वाले यदि आवाज सुन रहे हैं, यदि आप भी जिन बिंब को पार्श्वनाथ मूल नायक को ले जाने के लिए सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। बोलिए, बोली कहाँ से प्रारंभ की जाए, शीघ्रता बोली कहाँ से प्रारंभ की जाए। भगवान को, मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को यहाँ से ले जा करके पंडाल में विराजमान करने के लिए 51 से 51 रुपया, 51 से 51 रुपया भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को यहाँ से 61 वाले काम नहीं करना, 11,111 रुपया, 11,111 रुपया, 11,111। हाँ जी, ये बड़ा सौभाग्य है तीर्थंकर मूल नायक को अपने सिर पर रख कर के पंडाल तक ले जाने के, वहीं पर लाडू आदि का जितने कार्यक्रम होंगे उसके बाद सब वहीं होना है जी। 15,000, 11,000, 12,000 नहीं होता, हाँ 15,000। जरा बोली को आगे बढ़ाओ और धर्म कला भी उठाओ, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। जरा बोली को आगे बढ़ाओ और धर्म कला भी उठाओ, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। 21,121 रुपया, 21,121 रुपया भी करेगा वो, और यहाँ से ले जा करके वहां पंडाल में विराजमान भी करेगा। वेदी में अलग व्यवस्था, देखिए पहले बता देता हूँ, अंदर मूल नई वेदी बनाई उसमें विराजमान नहीं करना, पंडाल में विराजमान करेंगे, वहीं पर लाडू आदि सारे कार्यक्रम होंगे, उसके बाद फिर उसका अलग पात्र का चयन होगा उसके। देखिए आपके जो यहाँ पर विधि करेगा उसी का ही सौभाग्य समझ लीजिए, कि अभी तक भगवान हिले नहीं है। 6 साल से हम प्रयास कर रहे हैं, नहीं हिले, और आज पहला दिन है हिलने वाले। अब ये भी देखो, हिलेंगे नहीं हिलेंगे भगवान ही जाने, अब ये भी बड़ी बात है। अब ये देखना, ये आपका सौभाग्य होगा जो नहीं, ये भी उसका भी पुण्य चाहिए लेने वाले का। अभी आपके पुण्य की भी परीक्षा है कि आपकी भावना कितनी सर्वोत्कृष्ट है, कितनी उत्कृष्ट भावना है जो भगवान को आपके अंदर, आपको भगवान को यहां से ले जाकर वहां विराजमान करना है।
हाँ जी हाँ जी 21,000 21,000 25 31 कितना 25 25,525 मुकाबिला मुकाबिला बोलेगा बोलेगा मुकाबिला मुकाबिला बोलेगा बोलेगा कोई को लेंगे हम पुण्य कमाएंगे क्या बल को लेंगे पुण्य कमाएंगे मिल करके सब आ मुकाबिला मुकाबिला बोलेगा बोलेगा ये अवसर शायद आपके जीवन में पहली बार आ रहा है और आगे किसको मिलेगा कुछ भरोसा नहीं है जी इसलिए 25,525 31,131 तालियों पे तालियां बजाते जाइए बोलियों को आगे बढ़ाते जाइए तालियों पे तालियां बजाते जाइए बोलियों को आगे बढ़ाते जाइए अरे बोलियों को आगे बढ़ाते जाइए बोलियों को आगे बढ़ाते जाइए 31,131 जिनके भाव हैं शीघ्रता करें समय आप ही हो चुका है आगे बहुत लंबा कार्यक्रम है हमारा 31,131 रुपया 51,151 रुपया एक राज भगवान के जय जय काल वाले बाबा के जय जय 51,151 रुपया 51,151 रुपया 51,151 रुपया एक बोली जा रही है भाई बोली जा रही है सिग्नल दिखा रही है बोली जा रही है सिग्नल दिखा रही है जो भी ले लो बोली जा रही है बोली जा रही है सिग्नल दिखा रही है 51,000 सही बात है उसका पुण्य वो ले जाएगा तुम अपना पुण्य तुम ले जाओगे कौन बोल रहा है ये मत देखो ढोल बजा कर बोल बाप्पा मेरा है ताला तिजोरी का ढोल बाप्पा मेरा है मेरा है भाई मेरा है मेरा है भाई मेरा है हर नाच नाच के बोल बाप्पा मेरा है हर ढोल बजा कर बोल बाप्पा मेरा है 51,151 रुपया एक आगे पीछे दाएं दाएं बाएं किसी के भाव हैं और झूठी दुनिया से मन को हटा ले ध्यान गुरु चरणों में लगा ले नसीबा तेरा जाग जाएगा नसीबा तेरा जाग जाएगा नसीबा तेरा जाग जाएगा नसीबा तेरा जाग जाएगा 51,151 रुपया एक 51,151 रुपया दो और 51,151 रुपया देखिए ये सौभाग्य प्राप्त किया है मोहित जैन सीए माजरा वालों ने ये सौभाग्य प्राप्त किया हुआ है और आज भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव है और भगवान पार्श्वनाथ के मोहित भाई अनन्य भक्त भी है और इस क्षेत्र भी काफ़ी जाते रहते हैं और आज उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया यहाँ से भगवान और शायद यही सौभाग्य उनको और एक लंबी यात्रा कराने वाला है लंबे यात्रा तक उनको ले जाने वाला है एक बार जोरदार करकल ध्वनि से आप उनका स्वागत करें मोहित जैन का अब उसके बाद दूसरा सौभाग्य पद्मावती को वहां से लेकर पंडाल में विराजमान करने का सौभाग्य हाँ जी कहां से शुरुआत करें पद्मावती का उत्थापन करने का हाँ जी पद्मावती माता को यहां से लेकर पंडाल में ले जाने का सौभाग्य कौन परिवार प्राप्त करेगा बोली कहां से प्रारंभ की जाए 5151 रुपया माँ पद्मावती की उत्थापन विधि के लिए 5151 रुपया 11,111 माँ पद्मावती के लिए 15,515
15,515, 21,121, 21,121, 21,121, 25 तो बोल ही दिए थे, अब उसमें क्या रुकना, जो बोल दिया सो बोल दिया। अध्यक्ष जी जो बोल दिया सो बोल दिया, उसको क्या रुकना। 25,525, 25,525, 31,131, 31,131, 31,131। ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले बोलिया, ले जाएंगे, अरे ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले बोलिया, ले जाएंगे, अरे रह जाएंगे, रह जाएंगे पैसे वाले देख दे, रह जाएंगे। 31,131। और कोई भगवान इस स्थान से जा रहे, दोबारा इस स्थान पर लौट कर नहीं आने वाले हैं, इस स्थान पर दोबारा लौट कर नहीं आने वाले। अब वो जाएंगे तो अपने नए स्थान पर जाएंगे, और नए स्थान से उससे भी बड़े नए स्थान पर ही जाएंगे। अब पुराने स्थान पर बोले पुराने घर में कौन रहता है, आते हैं नए लोग पुराने, जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने। लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए, लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए, चिरागों को न रखिए, अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। ठीक है ना, इस डाल की, इस पेड़ की हर डाल तो सूखी ही पड़ी है, इस पेड़ की हर डाल तो सूखी ही पड़ी है, सूखी ही पड़ी है, पंछी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते, पंछी भी यहाँ रात। और एक बात बता दूं, ये मंदिर यहाँ से भी लगभग 2-3 फुट ऊपर ये जगह पूरी आ जाने वाली है, ये पुरानी जगह भी पुरानी नहीं रहने वाली है, ये भी सब खोद खाद के नई कर दी जाएगी। आज के इस दौर का मैं वीरान खंडर हूँ, आज के इस दौर का वीरान खंडर हूँ, वीरान खंडर हूँ। जब सबसे पहले आए तो बहुत सारे बच्चे दिखाई देते थे, बहुत सारे बच्चे खेलते कूदते रहते थे, ये संयम इतना सही था, जरा सही था, और सारे बहुत सारे बच्चे होंगे। ये विजय कुमार जी आए थे लगभग करोड़ा से, इनके बेटा, इनके बच्चे, बहुत सारे लोग यहाँ पर है कि बहुत छोटे छोटे थे, गौरव की शादी हुई हुई थी उस समय, 1-2 साल ही हुए थे लगभग जब आए, तो बहुत सारे बच्चे माजरा में जब थे, बहुत सारे जरा जरा से, और राजीव के बच्चे, अनिल के बच्चे, और आसपास जो रहने वाले वो सारे बच्चे खेलते रहते थे दिन भर। और आज स्थिति क्या है, बच्चे भी यहाँ शोर मचाने, बच्चे भी यहाँ शोर। मैं यहाँ पर 2002 में 19 तारीख में रुके थे, 18 जनवरी 2002 में यहाँ पर इस कमरे में रुके थे, सर्वप्रथम आए थे तब दर्शन यहाँ पर 18 जनवरी 2002 को यहाँ पर किया था माजरा पंचकल्याणक के लिए जब आए थे उस समय। और उस दौर से लेकर इस दौर तक क्लेमेंट टाउन सुभाष नगर में कितना परिवर्तन हो गया। मुझे सबसे पहले, उसके बाद महेश गोयल हमारे प्रॉपर्टी डीलर है, उनकी भतीजी यहाँ पर बैठी हुई है और संयम से शादी हुई है, हाँ शिवानी, वो सबसे पहले मुझे इस एरिया में घुमाने लाए, बोले महाराज जी देख लो बहुत सारी जगह है यहाँ पर, दिलवा दो अपने भक्तों को उनके साथ। और राजीव भल्ला यहाँ पर, ये ग्राफिक कह रहा है पीछे वाले साइड में, ये आगे बड़ा सा मैदान है ना, उसके पीछे साइड में उन्होंने कॉलोनी काटी थी। मैं कल नवीन को बता भी रहा था, मैं इस मंदिर से आगे वाली रोड पे लगभग 12-14 साल बाद आगे बढ़ा होगा, नहीं तो उससे ग्राफिक एरा के गेट से आगे ही नहीं गया था मैं कभी। तो आप समझिए समय कहाँ निकल जाता है।
तो इसलिए ध्यान रखना, यहां से भगवान अब दोबारा यहां नहीं आने वाले हैं। एक बार जो जाएंगे तो यहां पर लौटकर नहीं आएंगे। चलिए 31,131 और किसी को दे दूं? हाँ चलिए 31,131 रुपए तीन ये सौभाग्य प्राप्त किया है। राकेश जैन, अमन कुमार जैन, श्रीमती राशि जैन, ठाकुर ज्वेलर्स वालों ने सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार एक बार करकल ध्वनि से इनका स्वागत करें। अब आए तीसरा सौभाग्य है। यहाँ पर तीन प्रतिमाएं और है, एक भगवान महावीर स्वामी की है, आदिनाथ भगवान और चंद्रप्रभु भगवान। तो चंद्रप्रभु भगवान को यहाँ से बाहर विराजमान करने का सौभाग्य। हाँ जी, कहाँ से शुरुआत करें? हाँ जी, भगवान चंदा प्रभु। अरे 11,111 भगवान चंदा प्रभु स्वामी को विराजमान करने के लिए 11,111 कभी खोले न तिजोरी का द्वार। 21,121 रुपया भगवान चंदा प्रभु स्वामी को विराजमान करने के लिए 21,121 रुपया। अरे 25 तो बोल दिए थे लाला जी, 25 तो हो गए थे, अब क्या करना? 4,000 रुपये क्या कम करना? हाँ अरे उनको दूसरी दे देंगे हम। हाँ जी चलिए 21,121 रुपया एक, 21,121 रुपया दो, दो दो सोच लो। 21,000 लगाया तो क्या हो, बोली लाखों में लगाओ तो जाने, बोली लाखों में लगाओ तो जाने, बोली लाखों में लगाओ तो जाने, बोली लाखों में लगाओ तो जाने। 21,121 रुपया एक, 21,121 रुपया दो और 21,121 रुपया तीन। शुभ नाम। ये अवसर प्राप्त किया निर्माण समिति के अध्यक्ष राजीव जैन, ऋषभ पैकर्स वालों ने अवसर प्राप्त किया। एक बार जोरदार करके ध्वनि से स्वागत करें। उन्हीं की ओर से सामग्री की संपूर्ण पूजा विधान की सामग्री की व्यवस्था भी उन्हीं की ओर से यहाँ पर है। और आज पद्मावती माता का श्रृंगार में भी प्रमुख भूमिका उनके परिवार की आज यहाँ पर रहेगी। और जो मंदिर जी में नई चंद्रप्रभु भगवान की बड़ी प्रतिमा विराजमान होनी है उसमें भी चंद्रप्रभु भगवान प्रतिमा देने का सौभाग्य आपने ही प्राप्त किया है। एक बार आपने के लिए कर स्वागत करें। चलिए आए अब भगवान आदिनाथ स्वामी, बड़ी प्रतिमा महावीर स्वामी की, अंतिम तीर्थंकर भगवान। 11,111 21,121 रुपया एक, 21,121 रुपया दो, ढाई पौने तीन और 25,000 लेने। मैं आया बोली लेने, बोली लेकर पुण्य कमाने, जग छोड़ आया तेरे दर छोड़ आया, जग छोड़ आया तेरे दर छोड़ आया। 25,000 दे दो। ये भजन सुनाई अवसर बार बार नहीं आए। मैं आपको एक बात बताऊं, 2016 में आचार्य वासुपूज्य सागर जी महाराज की जन्मभूमि में हमने एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया, पंडित जी जानते हैं, उसकी प्रतिष्ठा कराई। और अक्सर वहाँ पर एक हमारे बहुत अनन्य भक्त रामपुर के अक्षय कुमार जैन एडवोकेट थे, उनकी रिश्तेदारी यहाँ भी है, जो सुमेरचंद जी जो अध्यक्ष रहे, महामंत्री रहे आई क्षेत्र के, उनके साले भी यहाँ पर। अच्छा आपके यहाँ के है क्या? हाँ तो उनके जो सगे भांजे अक्षय जैन सब लोग जानते होंगे। तो आप ये देखिए, तो पंचकल्याणक के समय में थे और मैं अक्सर कभी किसी बात को लेकर उनको ये भजन सुनाया करता था वहाँ पर कि अवसर बार बार नहीं आए। उनकी सोधर्मेंद्र
बनने की दोनों पति पत्नी की इच्छा बहुत थी, लेकिन वो कहते थे, बोले महाराज जी नहीं बनेंगे, आप आसपास के पंच कल्याणक करो, मुरादाबाद रामपुर के आसपास के पंच कल्याणक करो, वहां बनेंगे। और 2016 में मैंने उनको, जब वहां से पंच कल्याणक करके लौट के आए, तो मैंने उनको कहा भी ठीक है, आपको हल्द्वानी में पंच कल्याणक में आपको सौधर्मेंद्र बना देंगे, और राशि भी तय कर दी। वो बोले बोले महाराज जी आप जो राशि कहोगे दे देंगे, थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। और आप देखिए, एक महीने बाद ही उनको ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ और 6 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये अवसर है, पता नहीं आज आया कल जीवन में आएगा या नहीं आएगा, कुछ नहीं कह सकते हैं। इसलिए आए 31,131 रुपए, 31,131 रुपया, 31,131 रुपया 2 और 31,131 रुपया 3। आपके अध्यक्ष महोदय श्रीमान अनिल कुमार जी, ये सौभाग्य प्राप्ति, आज जोरदार करता ध्वनि से अभिनंदन। एक बात बता दो पंडित जी के, मुझे तो कल ही पता चला इनके ससुर लगते हैं ये अनिल जी जो है पंडित जी के ससुर लगते हैं, इनकी रिश्तेदारी में ये बुआ सास इनकी बैठी हुई पंडित जी की, तो इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। अब आए अंतिम भगवान आदिनाथ स्वामी प्रथम तीर्थंकर, उनको यहां से बाहर पंडाल में विराजमान करने का सौभाग्य। कहां से शुरू करें? हाँ कपड़े बदल लीजिए आप। शुरू 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 कहां से करें? अरे शुरू 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 कहां से करें? 11,111 मैं बोली आगे बढ़ाने वाला के मैं हूँ, पुण्य कमाने वाला के, जरा बोली को आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा पुण्य कमाओ, जरा बोली को आगे बढ़ाओ, पुण्य ही पुण्य कमाओ। आज 11,111 रुपया भगवान आदिनाथ स्वामी को विराजमान करने के लिए, 15,515 रुपया, 15,515। गाने वाले आ गए, बजाने वाले आ गए, लगती है बोली लगवाने वाले आ गए, लगती है बोली लगवाने वाले आ गए। 21,121 रुपया और भाव 25,525 रुपया, 25,525 रुपया, 25,525। अब भाई इस योग के पहले ही तीर्थंकर हैं भाई, उन्हें ही धर्म की शुरुआत हुई उनके माध्यम से ही। हाँ 25,525, 25,525, हाँ 31,131 रुपया, 31,131 रुपया। मस्ती में झूमे नाचे मस्ताने आए हैं, मस्ती में झूमे नाचे मस्ताने आए हैं, समर्पण सागर महाराज के दीवाने आए हैं, अरे मेरे गुरु महाराज के दीवाने आए। 35 करो सीधा, 35,135 रुपया, 35,135 रुपया, 35,000। देखो भाई आदिनाथ भगवान है, पहले तीर्थंकर हैं और साथ साथ में उत्तराखंड ही उनका कैलाश पर्वत का, जहां से निर्वाण पद को प्राप्त किया, जहां उन्होंने विहार किया, ये उत्तराखंड की देवभूमि रही है। और आज से करोड़ों अरबों खरबों वर्ष पहले की ये बात है। हाँ जी 35,135, और किसी को बोलना है दे दूं? ये नोटों के बंडल यही रह जाने, धर्म कमाने पुण्य कमाने। संतोष वास्तव में नोटों के बंडल यही रह जाने हैं। अभी मैं दिल्ली की एम्स की घटना बताऊं, एक किसी की तबीयत खराब हुई कोरोना के टाइम में, उसकी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई,
कोई मिला नहीं कोई, क्योंकि आजकल साथ में जाना नहीं कोई चाहता था। तो पत्नी गाड़ी ड्राइव करना जानती थी, मर्सिडीज गाड़ी में पति को पीछे की सीट पे रखा और दिल्ली के हॉस्पिटल हॉस्पिटल घूमती फिरी, कहीं बेड नहीं मिला। लास्ट में उसने जबरदस्ती गाड़ी एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में एंट्री करा दी और वहां पर आदमी को जबरदस्ती उठा के उसने इमरजेंसी के बाहर रख दिया। बोले भाई इसको तुम किसी तरह से एडमिट करा लो। डॉक्टर ने कहा कि इसको एडमिट करे तो कैसे करे, हमारे पास बेड ही नहीं है। तो एक कोई स्वीपर नर्स होगी, उसने देखा कि इनकी सांस बहुत ज्यादा उखड़ रही है, तो उसको उठा के उसने कहा भी अच्छा मैडम एक काम करो इनको कुर्सी पे बिठा दो आप, मैं भी आ रही हूँ। उसने उनको कुर्सी पे बिठाया और वो कहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल के ले आई और उसने मास्क लगाकर उनको ऑक्सीजन देना शुरू करा। वो लेडी गई गाड़ी से 25 लाख रुपए का थैला उठाया और उसके पैरों में डाल दिया। उसने कि तू ये देख पैसे रख और जितने कहेगी मैं उतने दे दूंगी, लेकिन तू किसी तरह से इनको बचा दे। तो देखिए आप उस नर्स की देखी बात देखिए, उसने कहा मैडम ये पैसे तो आप रखो, ऐसा है ये पैसे मुझे नहीं चाहिए और मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ पैसे के लिए, सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि इधर आओ साइड में, तुम्हारे पति के 10-15-20 मिनट का ही बस समय शेष रह गया है, ये तो इनकी सांस उखड़ने वाली है, मैं तो सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर इसलिए लगाया कि तुम इसे तड़पता हुआ मरता हुआ न देखो, बिना ऑक्सीजन के कम से कम इनकी प्राण जो है शांति से निकल जाए, इसलिए मैंने इनको कुर्सी देकर ये ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया, ये बचने वाले नहीं है, पैसे तुम अपने ले जाओ। तो ये नोटों के बंडल भी जब समय आता है तो ऐसे ऐसे शिवानी रखे रह जाते। हाँ जी दे दूं, दे दूं उनको 35,135 रुपए एक और 35,135 रुपए दो और 35,135 रुपए तीन। नाम बता बेटा। पुलकित जैन, हाँ, पारस प्रोविजन स्टोर मंडी निरंजनपुर मंडी, नहीं मैं तो हिमाचल वाली समझ रहा था भाई मैंने वहां। हाँ चलिए आ जाए, वस्त्र चेंज कर ले, आ जाओ धोती दुपट्टा इनको भी दे दो पंडित जी, एक धोती दुपट्टा दे दो और जो धोती दुपट्टा पहन के आ रहे हैं उनको जरा जगह दे दो, रास्ता दे दो। चलिए आ जाए, अब आए हम विधि प्रारंभ करते हैं, उसके बाद शेष लोग बाहर सनत। हाँ क्षेत्रपाल बाबा को वहां से बड़ी इत्मीनान से निकालना पड़ेगा, उसमें समय भी लगेगा, वह बाद में हम उसकी बोली बाद में ही करेंगे, अभी पॉसिबल नहीं है, वो तरीके से निकालना पड़ेगा। आए सर्वप्रथम हम पार्श्वनाथ की विधि करते हैं, उसके बाद सभी लोग बाहर जाएंगे, वहां पर विधिवत फिर हम अभिषेक भी करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद लाडू चढ़ाएंगे और भगवान को विराजमान करेंगे और उसके बाद कुछ घोषणाएं आपको कराई जाएगी। और आपको अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो आपको अवसर मिलने वाले हैं, प्रतिमा स्थापना के अवसर मिलने वाले हैं, साथ में अभी आपको अगले 2 साल तक अवसर ही अवसर है, अगले 2 साल तक अवसर ही अवसर है, मंदिर निर्माण में सहयोगी बनकर भी आप अनेक योजनाएं जिसकी मैं अभी चर्चा आपसे करूंगा। आए पार्श्वनाथ भगवान का सर्वप्रथम उत्थापन विधि करने का सौभाग्य भाई मोहित जैन ने प्राप्त किया है। डगरिया हे जिनेवर तेरी कठिन डगरिया
कठिन तेरा जिन रूप में आना, कठिन तेरा जिन रूप में आना, कठिन तेरे शुभ दर्शन पाना, कठिन तेरे शुभ दर्शन पाना, कठिन तेरे शुभ दर्शन पाना, कठिन हटा नजरी मुख से नजरिया, कठिन हटा नजरी मुख से नजरिया, पार तेरे तेरी कठिन डगरिया, पार तेरे तेरी कठिन डगरिया, पतली पतली धारा करना, सब प्रतिमाओं पे अच्छी तरह से पूरी प्रतिमा भिगोनी है ना। ओम रेम श्रीम क्लीम ऐं मरम बम 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 हम हम सम सम राम राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पवित्र दर जलाभिषेकम करोमि ते स्वाहा। अर्गलो अर्गलो उदक चंदन तंदुल पुष्प कई जरु सुदीप सुदो पिपलार्ग कर नवल मांगल गानी रवाकुल जिनि ग्रही जिनि नाथ मंगल। ओम रीम श्रीजनाय नमः ऋषभादि वीरांतेभ्यो चतुर्थतीर्थंकरेभ्यो नमः जलाभि निर्वपामीति स्वाहा। अब आ जाओ दोनों, बैठ जाओ। अब चलिए बपवंशा पूर्णेश्वरण कलशान कलावशानम संसार सागर विलंघन हेतु सेतु संतम। ओम अनिल जी थोड़ा पीछे हो के मुझे नहीं दिखाई दे रहा। हाँ ओम रीम श्रीम क्लीम ऐं हरम वम हम जम पम पम वम 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 हम हम जम जम हम दम पम पम जम जम जीम जीम श्रीम श्रीम द्राम द्राम द्रीम द्रि द्रवे द्रवे। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र कर जलाभिषेकम करोमिति स्वाहा। चलिए अब आगे पुलकित जैन जाए और यज्ञ नायक कुबेर स्वर्ण सौभाग्योति अर्ग बाद में चढ़ेगा भी स्थान पर पहुंच जाए। अरे पार्श्वनाथ भगवान का मस्तक अभिषेक धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर पे, धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर पे, मस्तक अभिषेक श्री पार्श्वनाथ भगवान का मस्तक अभिषेक। देखिए आने वाले समय में यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ की श्याम वर्णी प्रतिमा विराजमान होने वाली है, बड़ी प्रतिमा सहस्रपणा भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा जो उत्तराखंड में पहली बार ही विराजमान होगी और उत्तर भारत में इस तरह से देवभूमि उत्तराखंड में प्रथम बार होगी। नाथ की श्याम वर्णी मूरत मनिहारी कलसा डालो रे, कलसा डालो रे डालो रे डालो नरे नारी, कलसा डालो रे डालो रे डालो। कराओ माता बाबा जी के लाल को, नवन कराओ माता बाबा जी के लाल को, बाबा जी के लाल को अशु से के गोपाल को, नव निर्मित वैशाली पहुंचे वैशाली के लाल, नव निर्मित काशी प्रभु अवतार
आँख देखो पार्षि प्रभु अवतार डालो रे कलसा ढालो रे हो कलसा ढालो कमालो रे पुण्य बारी हो कलसा ढालो कमालो रे पुण्य बारी और क्या उम्र हजार हो गई उम्र हजारी कलशा ढालो रे कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नरे नारी कलशा ढालो नारी त्रैलोक्य पावनमहं स्नपनं करोमि ओम ब्रीम श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हंसं तं पं वं वं मं मं हमं सं सं दं दं पं पं झं झं जिं जिं शिं शिं द्रं द्रं द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे ओम नमो रते भगवते श्रीमते भगवान जी का पूर्ण सुगंधि कलश अभिषेक स्नपनं करोमि ते स्वाहा अरे उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सदूपल अर्घ कई कमल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रे महम विजे ओम ब्रीम श्री जिनाय नमः जलाभिषेक उपरांत चतुष्कोणी कुंभ कलश उपरांत पूर्ण सुगंधि कलश अभिषेक उपरांत जलादि अर्घम निर्वपामी ते अवसर यहाँ पर आपको प्राप्त होगा कौन सौभाग्यशाली होगा जो बृहद शांति धारा का अवसर प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा शीघ्रता से एक छोटी सी बोली के माध्यम से उसका चयन होगा लगभग सैकड़ों मंत्रों से उस शांति धारा में आज विशेष रूप से शांति धारा यहाँ पर हम करेंगे आए बोली के माध्यम से चयन करेंगे एक मिनट के अंदर अंदर हम बोली का यहाँ पर प्रावधान हाँ जी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी मूल नायक पर शांति धारा होगी देखिए अभी तक मैं समझता हूँ कि आपने बड़ी प्रतिमा पे शांति धारा नहीं की होगी बहुत सालों से शायद नहीं हुई होगी अब किसी की याददाश्त में हो तो बात अलग है हाँ नहीं हुई ना किसी के पहली बार शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा हाँ जी मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ स्वामी पर और देखिए आज भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का क्या है मोक्ष कल्याणक है और देखिए जिस नक्षत्र में जिस तिथि में भगवान गए थे आज नक्षत्र भी वही है नक्षत्र कम आ पाता है वही नक्षत्र है वही तिथि है उसी शुभ तिथि पर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के निर्वाण कल्याणक के पावन अवसर पर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी मूल नायक भगवान की महाशांति धारा करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है एक मिनट के अंदर बोली करेंगे जिसके विभाव हो शीघ्रता के साथ बोलिए बोली कहाँ से प्रारंभ की जाए महाशांति धारा शांति धारा भी विशेष है ये वाली शांति धारा आपने अभी तक की नहीं होगी जीवन में भी ऐसी शांति धारा है 11111 रुपया 11111 रुपया 11111 रुपया एक बोली शीघ्रता के साथ 15,515 रुपया 21,121 रुपया कोई भी बोल सकता है कोई भी बोली ले सकता है जी हम उसको 21,121 रुपया महाशांति धारा महाबीजाक्षर मंत्रों के साथ विशेष मंत्रों के साथ 31,131 रुपया 31,131 रुपया प्रभु की महाशांति धारा विशेष मंत्रों के साथ विशेष बीजाक्षर मंत्रों के साथ प्रभु के मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की पार्श्वनाथ निर्माण महोत्सव के पावन अवसर पर प्रथम बार शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा 31,131 रुपया हाँ जी आगे दाएं बाएं कोई भी बोली ले सकता है हाँ जी 31,131 रुपया एक 35,535 रुपया 51,151 रुपया 51,151 रुपया प्रभु की महाशांति धारा के लिए 51,151 रुपया
51,151 रुपया एक बोली जा रही है भाई, 51,151 रुपया दो ढाई पौने तीन, विचार कर लीजिए, तीन करने वाला हूँ, 51,151 रुपया एक, 51,151 रुपया दो और 51,151 रुपया तीन। चलिए ये अवसर प्राप्त किया है श्रीमती रजनी जैन, धर्म पत्नी अनिल कुमार जी जैन, श्रीमती स्तुति जैन, हर्ष जैन और डॉक्टर अपूर्वा जैन माजरा वाले रोचीपुरा माजरा वालों ने ये सौभाग्य प्राप्त किया है शांति धारा करने का आज बृहद मंत्रों से। शांति धारा बाबू इतनी देर तक खड़े हो जाओगे, एक बार करताल ध्वनि से अभिनंदन स्वागत करें, कपड़े चेंज करके आओ अनिल जी, इनको एक जो नया धोती दुपट्टा है साड़ी दे दो उसको, एक रखा होगा ना इस तरह का ड्रेस रखा होगा, देखो इस तरह का ड्रेस रखा होगा तो हा? एक ड्रेस दे दो, एक ड्रेस दे दो इस तरह का, जाओ पंडित जी साथ में जाओ, अनिल जी जाओ अंदर जाओ, जाओ पिंकी भी चली जाए, मोबाइल यही छोड़ जाओ, मोबाइल वगैरह मोबाइल यही दे जाओ, पर्स वगैरह हो तो पर्स रख दो, पैसे नहीं लूंगी पैसे, बोले ये पैसे मैं अपने दूंगी, ये पिंकी का कहना है कि ये पैसे मैं दूंगी, ये अनिल से नहीं लूंगी, अब पता नहीं अनिल के तेरे पैसे कहां से आ गए, अनिल से ही लिए होंगे, अनिल से तो वैसे ही झपट लेती होगी सारे पैसे, तो अनिल लगता ही कहां है अपने पास पैसे। चलिए हाँ आ जाए, हम शांति धारा के मंत्र यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं एक मिनट के लिए। हमारे मध्य भाई संतोष जी हैं और सभी लोग, आज भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक महोत्सव है, हमारे मध्य यहाँ पर जैन धर्मशाला के कोषाध्यक्ष भी भाई राजीव जैन शेर वाले ही तो है ना तुम, तो हाँ सही है, मैंने कहा फुसल रहा था कुछ थोड़ा थोड़ा, वो हमारे मध्य यहाँ पर उपस्थित हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ पर और भी सहारनपुर से भाई सुरेंद्र कुमार जैन हमारे मध्य गैस वाले, वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं भाई सुरेंद्र कुमार जैन, जिन्होंने सहारनपुर में भी कलश स्थापना करने का बहुत सौभाग्य प्राप्त किया और बहुत अब तो धर्म मार्ग में लगातार वह आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे भाई सुरेंद्र जैन सहारनपुर से हमारे मध्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, एक बार सभी का आप करकल ध्वनि से स्वागत करें। हमारे जितने भी सभी आज के इस अवसर को प्राप्त करने वाले जितने भी महानुभाव है वह सभी चलिए आए, तब तक हम दो मिनट भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति कर लेते हैं। पार सिरे तेरी कठिन डगरिया, देखिए भगवान मैंने कहा ना भगवान पार्श्वनाथ का काम बड़ी कठिनाई से होता है, मेरा अनुभव है। परसों इस कदर बारिश थी, शहर में नहीं थी ये, ISBTC की इधर ही थी, मैं भी जब आया तो मुझे यहाँ पर फ्लाईओवर पे मिली और कम से कम 3 घंटे इस कदर बरसा है कि ये लग रहा था, और इसी इलाके में था, इस कदर बरसा कि ये लग रहा था कि क्या होगा, इस पंडाल की भी टेस्टिंग हो रही थी तनेजा वालों की कि कहाँ कहाँ से टपकेगा और कहाँ कहाँ से क्या होगा, और ये लग रहा था कि क्या होगा, पता नहीं ये जर ऐसी बारिश बनी रही, खुलने के दूर दूर तक कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे, ये सब जलमग्न हो रहा था यहाँ का पूरा हिस्सा, पूरे पीछे हलवाई हमारे भाई राजीव के सभी कार्य कर रहे थे, वो लोग सब कहीं से पानी टपक रहा, कहीं कुछ हो रहा है, हमने कहा राजीव भाई तुमने क्या करा, पंडाल देख लो एक बार, चेक करवा लो, सारी टेस्टिंग आज ही हो रही है। और आप देखिए कल भी मौसम इतना बढ़िया रहा और आज भगवान पार्श्वनाथ की ऐसी कृपा है, अभी धूप निकली हुई है लेकिन ज्यादा खुश मत हो ना, हाँ पता नहीं कब कमट आ जाए दोबारा और कब उपसर्ग करे, ये देहरादून है। रविंद्र जैन को जब मैंने 2012 में यहाँ पर बुलाया था महावीर जयंती के अवसर पर, तब उन्होंने एक बात कही थी
कि जिंदगी बितानी हो सुख से और चैन से, जोड़ो रे जोड़ो नाता नाता देहरादून से। उन्होंने इस बात की कही थी, और वास्तव में शांति की जिंदगी तो इधर शांति की जिंदगी जी रहा है, इसलिए आए सभी लोग बड़े भक्ति के साथ। पारस रे तेरी कटी डगरिया, पारस रे तेरी कटी डगरिया। ऐसे बैठे हो जैसे बिल्कुल तुम्हें ही पारसनाथ कमट ने तुम पर ही सब पे उपसर्ग कर लिया। इस विधि में हो, इस विधि में तोहे पाँव संवलिया। पारस रे तेरी कटी दी डगरिया, पारस रे तेरी कटी दी डगरिया, हे दिन वर तेरी कटी दी डगरिया। सो धर्मेंद्र महाराज कहाँ है? सो धर्मेंद्र महाराज, अमन जी मुकुट दे दो इनको भी। हाँ जी, सो धर्मेंद्र तो आराम में है, थक गए बहुत। जैसी भक्ति कल शाम यहाँ पर थी ना गुरुदेव के सानिध्य, जरा वैसी भक्ति यहाँ पर दोबारा हो जाए, पता नहीं आज के बाद कब मौका मिलेगा। पारस रे तेरी कटी दी डगरिया, पारस रे तेरी कटी दी डगरिया, हे दिन वर तेरी कटी दी डगरिया। इस विधि में हो, इस विधि में तोहे पाँव संवलिया। पारस रे तेरी कटी दी डगरिया, पारस रे तेरी कटी दी डगरिया। इसका स्विच खोल लीजिए भाभी जी। हेलो, भगवान का दरबार है, कोई शर्माए ना, सब खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान। आइए सभी खड़े हो जाएं। आ गए और कुबेर महाराज पूरी न्यौछावर के साथ जरा रत्नों की वर्षा होते हुए चलना है बाबा के चरणों में। पारस रे तेरी कटी दी डगरिया, पारस रे तेरी कटी दी डगरिया। Thank you.
कठिन तेरा नैन रूप में आना, कठिन तेरे शुभ दर्शन पाना, कठिन तेरे शुभ दर्शन पाना, कठिन घटना श्री मुख से नजरिया, कठिन डगरिया पारस रे डगरी। और सभी को क्या कहना है, आज सारा दरबार, सारी पंडाल, सारे भक्त पारस में हो जाने चाहिए, और एक भक्ति के साथ इस बात को कहना चाहिए कि हम भगवान पार्श्वनाथ के क्या है, भक्त है। और सभी को क्या कहना है, अरे देवा हो देवा पारस देवा, देवा ने बड़े बड़े स्वामी तुमसे बड़े बड़े देवा हो देवा देवा तुमसे बड़े कर कौन स्वामी तुमसे बड़े कर कौन, और तुम्हारे भगत जनों में, और तुम्हारे भगत जनों में हमसे बड़े कर। एक मिनट जरा मेरे सामने से साइड से हट जाओ जरा सब लोग, जरा मैं देखूं तो कौन कौन कितना बड़ा भक्त है। अरे बाबू तुम भगत नहीं हो गया, तुम तो ऐसे खड़े हो गए, राजीव इनको ले जाओ यार। अरे अरे आइए नील जी, आज कम से कम आप कर लो, आप पता नहीं उसके बाद हाथ पैर काम करेंगे तब तक ही कर सकते हो। जरा पीछे हो जा मुझे दिखा दो। अरे देवा हो देवा पारस देवा, तुमसे बड़े कर कौन स्वामी तुमसे बड़े कर कौन, अरे देवा हो देवा पारस देवा तुमसे बड़े कौन स्वामी तुमसे बड़े कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में। और देखिए नानक जरा सीना ठोक के कहो कि भगवान मेरे पास में मेरे से बड़ा भक्त और संत कोई नहीं है। और क्या कहना है, और तुम्हारे आज मैं सुनो, आज मैं 20 साल में पहली बार अनिल को कुबेर बनाया था पंच कल्याणक में। हेलो हेलो हेलो, अनिल को कुबेर बनाया था तब भी भाग जाते थे, हाँ पंडाल से भाग जाते थे, आधा टाइम बैठते ही नहीं थे। और आज मैं पहली बार देख रहा हूँ नृत्य करते हुए, आज पहली बार। तो आज तो हमारा जी सौभाग्य हमें भी रत्नों का मिलेगा। अरे देख ले आज देख ले कितना बढ़िया नृत्य कर रहे, देखो। अरे तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बड़ी कर चलो शिखर जी दर्शन को, चलो चलो शिखर जी दर्शन को, पारस प्रभु है जहां भक्ति भक्ति दीवाना, शिखर जी दर्शन को, चलो चलो गुरु के दर्शन को। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। चलिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, इंद्रगण भी बैठ जाए, की चर्चा नहीं करेगा, कोई आवाज नहीं करेगा, शांति पूर्वक भगवान की शांति धारा आपको देखना। जिसको नजर नहीं आ रहा है इस साइड आ जाएं, साइड में अगल बगल खड़े हो करके बैठ करके आप शांति शांति धारा देख सकते हैं जी। हाँ ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीत रागाय नमः। मस्तक मस्तक पर कोई नहीं आराम से। ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो ओवध्यायाणम नमो लोहे शब्द साहूणम धारि मंगलम अरहंता मंगलम पन्नतो धम्मो मंगलम चतारि लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा शाहो लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो चतारि शरणम पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि शाहो शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम
धम्मम शरणम पवज्जामि ओमि अनादि सिद्ध मंत्र भोजन भक्ति प्रसादार सब शांतिर भवतो स्वाहा। ओम नमो अरते भगवते प्रक्षीणा शेष दोष कलमसाय तिप्य तेज मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सब रोगाप मृत्यु विनाशनाय पर सर्व परकोचतम नाशनाय सब छाम डावर विनाशनाय ओम राम रीम रोम राह असी औसा नमा। धर्म पत्नी अनिल कुमार जी जैन श्रीमती स्तुति जैन धर्म पत्नी हर्ष कुमार जैन डॉक्टर अपूर्वा जैन समस्त परिवार से समस्त सभी लोग अपने अपने नाम ले लेंगे समस्त इंद्र परिकर से उपस्थित श्रावक श्राविकागण से सौधर्म इंद्र अमन जैन सुपुत्र श्री राकेश जैन राशि जैन समस्त परिवार से मोहित जैन समस्त परिवार से अनिल जैन परिवार से राजीव जैन समस्त परिवार से सिद्धार्थ जैन संजीव जैन परिवार से समस्त गौरव जैन परिवार से नायक राकेश जैन परिवार से हरियन जैन परिवार से पुलकित जैन परिवार से समस्त उपस्थित श्रावक श्राविका गण से समस्त भक्त परिवार से दिगंबर जैन देहरादून समाज से शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च करो करो संप्रति काल श्रेयस्कर सरदावतरण जनवाभिषेक परि निष्क्रमण केवल ज्ञान निर्माण कल्याण भूषित महापपुदया श्री ऋषभाज संभवाभिनंदन सुमति परम प्रभ सुपार्श चंद प्रभ पुष्पदंत शीतल श्रेयांश पांच पूजय विमल अनंत धर्म शांत कुंद अर मल्ली मुनि सुब्रत नमि नमि पाश वर्धमान परम देव पूजन भक्ति प्रसादार सब शांतिर भवतो तुष्टि पुष्टि से भवतो स्वाहा। ओम लोकोत्तन करा अतीत काल संजाता निर्माण सागर महासाधु विमल प्रभ शुद्धाप श्रीधर सुरक्तामल प्रबोधरांगी सन्मति सिंधु कुष्मांजलि शिवगणोस्ति चतुर्वंशी परम देव पूजन भक्ति विषादार सब शांतर भवतो तुष्टि पुष्टिश्च भवतो स्वाहा। ओम भविष्य काल अपोदय प्रवाह महापरमेश्वरोदा सुरप्रभ सुप्रभ स्वयं प्रभ सर्वायुध जय देव उदय देव प्रभा देव उदंग देव प्रश्न कीर्ति जय कीर्ति पूर्ण बुद्धि निष्कषाय विमल प्रभ बहुल निर्मल चित्रगुप्त समाधिगुप्त स्वयंभु कंदर्प जयनाथ विमलनाथ दिव्यवार अनंत वीरिया चेति चतुर्विंशति पूजन भक्ति प्रसाद भविष्य काल परम देव पूजन भक्ति प्रसादार सब शांतिर्भवतु तुष्टि पुष्टिश्च भवतु। ओम त्रिकालवर्ती परम धर्म अभ्युदया श्रीमंदर युगमंदर बाहु सुबाहु संजात स्वयं प्रभ वृषमानन अंतवीर स्वरप्रभ विशाल कीर्ति वज्रधर चंद्रानंद भद्रबाहु भुजंगम ईश्वर नैमी प्रभ महाभद्र देवयश अजित वीरियाशेति पंच विदेशी ब्रह्माण विंशति तीर्थंकर परम देव पूजन भक्ति प्रसादार सर्व शांति दुष्टि पुष्टि च भवतु। पूजता वर्ता चंद भुवेन्द्र भूर्भूतवि चतुर्विदस्य संगस्य शांति कुर्वन्तु शाश्वतिम विघ्नोंगा प्रलम्यान्ति शाकिनी भूतपन्निगा विषम निर्विस्तामयाति स्तूयमाने जनेश्वरे दुर्भिक्षादि महादोषा निवारण परम्परा कुर्वन्तु जगता शान्तिम सुत मुनीश्वरा यस्संस्मरण मात्रणे विघ्ना नश्यन्ति मूलतः कुर्वन्तु जगतः शान्तिम जिनसुत मुनीश्वरः पदार्थान् लभते प्राणी यत् प्रसादार् प्रसादतः कुर्वन्तु जगतां शान्तिम जिनसुत मुनीश्वरः। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और विशेष मंत्रों का रिद्धि मंत्रों का उच्चारण हो रहा है विशेष मंत्रों का आप सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और स्वाभी बोलते रहेंगे ओम रीम न अरम नमो अरं दानम नमो जनानम राम रीम रोम रोम रा अप्रति चक्रे फट भी चक्राय झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। रिद्धि मंत्र भक्ति प्रसाद सर्वेशाम सर्व शांतिर भवतु विशिचुका ज्वरादि रोग विनाशनम भवतु। ओम रीम अरम नमो ओजनाम शुरू रोग विनाशनम भवतु। ओम रीम अरम नमो परमोजनाम नासिका रोग विनाशनम भवतु। ओम रीम सवोजनाम अक्षर रोग विनाशनम भवतु। ओम रीम आनंद ओजनाम कर्ण रोग विनाशनम भवतु। ओम रीम कोट बुद्धि नमो आत्म विवेक ज्ञानम भवतु। ओम रीम बीज बुद्धि नमो हृदय रोग विनाशनम भवतु। ओम रीम पद अनुसारिणी परस्पर विरोध विनाशनम भवतु। ओम रीम सम्नी सोदाराणाम श्वास रोग विनाशनम भवतु। ओम रीम स्वयं बुद्धि नमो कवित्वम पांडित्वम च भवतु। ओम रीम पत्य बुद्धानाम प्रतिवादी विद्या विनाशनम भवतु। ओम रीम नमो भोज बुद्धानाम अन्य गुरु सिद्ध ज्ञानम भवतु। ओम रे भुज मदिनम सर्व शांतिर भवतु। ओम रे वर्ण विहुल मदिनम बहुश्रुत ज्ञानम भवतु। ओम रे वर्ण दस पुविनम सर्व वेदी भव वेदनार भवतु। स्वाहा।
ओम रीवरम चौदस पूर्णम स्वसमय पर समय वेदना भवतु ओम रीवरम नटंगमान मित कुशलानं जीवित मरणादि ज्ञानं भवतु ओम वीटि पतानं कामित वस्तु प्राप्तिर भवतु ओम विचारण उपदेश प्रदेश मात्र ज्ञानं भवतु ओम विचारणं नष्ट पदार्थ चिंता ज्ञानं भवतु ओम पन्न समनं आयु स्वसा ज्ञानं भवतु ओम आगसमनं अंतरिक्ष गमनं भवतु ओम वासि विसनं विद्वेषं प्रतियतं भवतु ओम डिटु विसनं स्थावर जंगम कृत विघ्न विनाशनं भवतु ओम उक्तमानं वचन स्तंभनं भवतु ओम ततमानं सेना स्तंभनं भवतु ओम ततमानं अग्नि स्तंभनं भवतु महातमानम जलस्तमनम भवतु ओम गोरतमानम विश्वरोगादि विनाशनम भवतु ओम घोर घोर प्रकमानम लता गर्भावती कालवली बलाश्रम भवतु ओम घोर गुण गुणानम दृष्ट मगादि विनाशनम भवतु ओम घोर गुण मंबायारिनम भूत प्रेतादि विनाशनम भवतु ओम आमोसे बदानम अपस्मारी प्रलाभन चिंता विनाशनम भवतु ओम कलोसे बदानम सर्वपत विनाशनम भवतु ओम जलोसे बदानम जन्मांतर वेद देव वैर विराज भाव विनाशनम भवतु ओम टिविसनम गजमारी विनाशनम भवतु ओम रीवरम सौसिपदानम मनुष्योम सर्ग विनाशनम भवतु ओम रीवरम बलिनो गोमारी विनाशनम भवतु ओम रीवरम वचबलिनो अजमारी विनाशनम भवतु ओम रीवरम गायबलिनो अजमारी विनाशनम भवतु ओम रीवरम कीर्षमिन अष्टादश कुष्ठगंडमालादि विनाशनम भवतु ओम रीवरम सपिसमिन सर्व शीत ज्वर उष्ण ज्वर विनाशनम भवतु ओम रीवरम अरुण महूर्सविनम समस्त उपसर्ग विनाशनम भवतु ओम रीवरम अरुण महूर्सविनम सर्व सौख्यम भवतु ओम रीवरम अमृतसविनम सर्व व्याधि विनाशनम भवतु ओम रीवरम अखिल मानसान अक्षिण वृद्धि भवतु ओम रि वड मान बुद्धि ऋषिस राजपुरुषादि विनाशनं भवतु ओम रि वर्णम सर्व सिद्धाय दानानं धन धान्य समृद्धि भव रत्नत्रय भवतु ओम रि वर्णम भयवदम आदि महावीर वड्डमान बुद्धि सन समाधि सुखम भवतु ओम भीम अरम नमो ओम रि वर्णम नमो करघन गणपयाल विवर्ण पत्ताण सर्व ज्वरादि रोग विनाशनम भवतु ओम रिवरण सर्व का सर्व राय वशीकरण कुशलानम सृजनानम सर्व राज्य प्रजा वशपतम भवतु ओम रिवरण दुष्ट कट्ट निवारणायण सृजनानम सर्व दुख निवारण भवतु ओम रिवरण इतुदर अविनाशयानम विट्ठो सही पत्ताण समस्त श्री रोग श्री संबंधित समस्त रोगों के लिए समस्त श्री रोग विनाशनम भवतु ओम रिवरण तख तख खरर भय पनासयानम श्रीजिनानम समस्त चोरादि भय विनाशनम भवतु ओम रिवरम नमः अपुवल पैठियानम बलिठी पत्तानम समस्त मनोवांछित सभी हाथ जोड़ लेंगे सर्व मनोवांछित सिद्धिर भवतु। ये भगवान पार्श्वनाथ के विशेष मंत्र हैं, आप लोग उसमें हाथ लगा ले जा जाके। ओम रिवरम नमः सोसे पत्तानम मिग रोग वा मिग रोय वार यानम सर्व मृगी रोग विनाशनम भवतु। ओम रिवरम सिद्धमो सव सिद्धाय दनानम बंदिमो पाणम समस्त बंधन भय विमोह विनाशनम भवतु। ओम रीम रम नमो दव दवम कराय सर्वार्थ सिद्धिर भवतु। ओम रीम रम धम्म राय जपतीय गर्भपतन निवारणम भवतु। ओम रीम धन उठी कराय धन गोधन लाभम भवतु। ओम रीम रम नमो पुत्र इति कराय संतान वर्धनम भवतु। ओम रीम रम उन्न उन्नह गद हारिय सर्वेशाम। देखिए सभी रोगों के लिए सभी लोग अच्छी तरह से हाथ जोड़ के नमोस्तु करते हुए ओम रीम रम नमो उन्नह गद हारिय सर्वेशाम सर्व रोग समस्त परिवारस्य श्रीमान अनिल जी जैन रजनी जैन हर्ष जैन स्तुति जैन डॉक्टर अपूर्व जैन समस्त परिवारस्य समस्त उपस्थित श्रावक श्राविका गणस्य इंद्र परिकरस्य सर्व रोग विनाशनम भवतु। ओम रिवरम नमो अगल भव वज्जनाय भग्नि भय निवारण भवतु। ओम रिवरम नमो इक्ष वज्जनाय मधुर जलम भवतु। ओम रिवरम नमो नग भय पनासय वन नग वेदिनी कृत उपद्रव विनाशनम भवतु। ओम रिवरम नमो पासे सिद्धान सुनंतीय सर्प वीक्ष विनाशनम भवतु। ओम रिवरम अकिन गदनासय नेत्र पीड़ा नेत्र संबंधित रोगों के लिए नेत्र पीड़ा विनारण निवारणम भवतु। ओम रिवरम पपीतरुर पत्ताय सर्व वृक्षलता मारी निवारण भवतु। ओम रिवरम जय पा देव पासे पत्ताय राज्य सम्मानम भवतु। ओम रिवरणो जावित्ता परिवत्ताय दुर्भिक्ष कृतोपद्रव विनाशनम भवतु। ओम रिवरम नमो इट्ठी मिट्टी भक्राय सर्वांग जिन जिन को जो भी तकलीफ पीड़ा होती है वो लोग हाथ जोड़ के त्रिवार नमोस्तु करते हो। ओम रिवरम नमो इट्ठी मिट्टी भक्राय सर्वांग पीड़ा समस्त परिवार समस्त शांति दारा करता परिवार श्रीमान रजनी जैन अनिल जैन हर्ष जैन सुधि जैन डॉक्टर पूर्वा जैन समस्त परिवार समस्त इंद्र परिकरस्य प्रतिमा विराजमान करता समस्त दान दातारस्य समस्त भक्त परिवारस्य सर्वांग पीड़ा निवारणम भवतु।
ओम ह्रीम रम नमो राम ह्रीम रूम रोम रा धन धान्य समृद्धि रत्न त्रय भवतु रत्न त्रयम भवतु स्वाहा। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्रीमद पार्श्वनाथ तीर्थंकराय श्रीमद रत्नतर रूपाय दिव्य तेजो मूर्ताय प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण परमेश्वराय शुक्ल धन पवित्र सर्वज्ञाय स्वयंभुए सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य में आप्ताय अनंत संसार चक्र परमानंद दर्शन अनंत ज्ञान अनंत वीरान सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य शंकर असत गण असत ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणा मंडल मंडिताय ऋषि हरिका श्रावक श्राविका प्रमुख तो संग सर्गनाशनाय गाति करो नशनाय गाति करो नशनाय अपवायम अस्माकम् चिंद चिंदा बिंद बिंद मृत्यु अधिकाम अधिकाम बलिकाम क्रोधाम अग्नि सर्वशत्रुम सर्वसर्गाम सर्वविघ्नाम सर्वभयाम सर्वराजभयाम सर्वचरभयाम सर्वदुष्टभयाम सर्वमृगभयाम सर्वात्मचक्रभयाम सर्वपरमंत्राम सर्वशूलरोगाम सर्वशूलरोगाम सर्वकुक्षिरोगाम सर्वाक्षिरोगाम सर्वशूलरोगाम सर्वजररोगाम सर्वनरमारी सर्वगजमारीम सर्वश्रुमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधान्यमारीम सर्वृक्षमारीम सर्वगुलुमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वीशमारीम सर्वेतालशाकिनीवयाम सर्वेदनीयाम सर्वमोहनीयाम सर्वकर्माष्टकाम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बलो शूर शांति सर्वजनानंदम कुरु कुरु सर्वभवानंदनाम सर्वगोकुलानंदनाम सर्वराजानंदनाम सर्वदेशानंदनाम सर्वजमानंदनाम ಸರ್ವದುಃಖಮನನ ओम भी ओम पूर्वक मंत्राण पूजन भक्ति प्रसाद आता ऋषि हरिका श्रावक श्राविकाणाम समस्त परिवार से श्रीमान अनिल जैन रजनी जैन हर्ष जैन स्तुति जैन डॉक्टर अपूर्व जैन समस्त परिवार से इंद्र परिकर से उपस्थित श्रावक श्राविका गण से समस्त सहयोगी गण से समस्त भक्त परिवार से पंडित अशोक शास्त्री समस्त परिवार से मम भक्त परिवार से श्रीमान चंद्रसेन कुमार जैन परिवार से पवन जैन राहुल जैन अजय जैन समस्त परिवार से आशीष जैन सीमा जैन परिवार से सनत जैन विनोद परिवार है सुभाष जैन विपिन कुमार जैन परिवार है शेखर जैन पुनीत कुमार जैन परिवार से सुभाष जैन श्रवण कुमार दीपक कुमार सतीश कुमार विपिन कुमार धर्मपुरा दिल्ली परिवार से रूपेश जैन परिवार से राकेश जैन रामपुर परिवार से सजल जैन परिवार से सुरेंद्र कुमार मुदित कुमार जैन समस्त परिवार से श्रावगणम सर्व क्रोध मान माया लोभ हास्य रति शोक भय जुगुप्सा श्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद विनाशनम भवतु मिथ्यात्व राग द्वेष मोह ईर्ष्या विवाह विकार विषाद प्रमाद कषाय विकता विनाशनम भवतु सर्व पंचेन्द्रिय विषयनिश्चय स्नेहा शार्त आर्त रौद्र कुलशत व्याधिता पाप दोष विनाशनम विरोध विनाशनम भवतु सर्व ममकार विकल्प निद्रा तृष्णा जिताप दुख वैर अहंकार संकल्प विनाशनोर भवतु सर्व आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा विनाशनो भवतु सर्व सर्ग विघ्न राज चोर दुष्ट मृह मेह लोक ये लोक परलोक अकस्मान मरण वेदना वेदना शरणा त्राण भय विनाशनो भवतु सर्व क्षय रोग कुष्ठ रोग ज्वराति सारा तिरोग विनाशनम भवतु सर्व नर गज गोमहिष धान्य वृक्ष गुल्म पत्र पुष्प फल मारी राष्ट्र मारी देश मारी विश्व मारी विनाशनो भवतु सर्व मोहनीय ज्ञानवर्णी दर्शनवर्णी वेदिनी नाम आयु अंतराय कर्म गोत्र कर्म सर्व कर्म विनाशनम भवतु ओम राम रीम रूम रूम रा शिव नमः मंत्र भक्ति प्रसाद सर्वेषां सर्व यजमानानां श्रीमान अनिल जी जैन समस्त परिवार से अमल जैन परिवार से मोहित जैन परिवार से राजीव जैन परिवार से अनिल जी जैन परिवार से राकेश जैन परिवार से गौरव जैन परिवार से समस्त उपस्थित श्रावक श्राविका गण से समस्त भक्त परिवार से श्री राम रीम रूम रेम रेम राम रीम रूम रोम राम असि ओ सनमा श्रीमान अनिल जी जैन
श्रीमती रजनी जैन, हर्ष जैन, स्तुति जैन, डॉक्टर पूर्व जैन समस्त परिवार से, गौरव जैन समस्त परिवार से, अमन जैन, राकेश जैन समस्त परिवार से, राजीव जैन परिवार से, मोहित जैन परिवार से, संजीव जैन, सिद्धार्थ जैन परिवार से, संयम जैन परिवार से, आर्यन जैन परिवार से, अनिल जैन परिवार से, जितेंद्र जैन परिवार से, रविंद्र जैन परिवार से, अरविंद जैन परिवार से, नवीन जैन परिवार से, अक्षत जैन, विपिन जैन समस्त परिवार से, नलिन जैन, रानीखेत समस्त परिवार से, फुलकित जैन परिवार से, आर्यन जैन परिवार से, राकेश जैन परिवार से, आनंद जैन परिवार से, राजेश जैन परिवार से, राजीव जैन परिवार से, अजय जैन परिवार से, राकेश जी जैन मसूरी बैंक यूको बैंक समस्त परिवार से, समस्त उपस्थित श्रावक श्राविका गण से, जितेंद्र जैन, जिनेन जैन बच्चू परिवार से, सुरेन्द्र जैन सहारनपुर परिवार से, सनत जैन, विनोद जैन परिवार से, विनोद जी जैन परिवार से, रविंद्र जैन परिवार से, अरविंद जैन परिवार से, प्रवीण जैन परिवार से, भोजन व्यवस्थापक तुषार जैन, तरुण जैन, सुपुत्र राजीव जैन समस्त परिवार से, संतोष जैन परिवार से, पंडित अशोक शास्त्री जी परिवार से, मम भक्त परिवार से, शिवानी समस्त उपस्थित सब लोग अपने अपने नाम ले लो, समस्त उपस्थित श्रावक श्रावक आशीष जैन हजारा मेडल समस्त परिवार से, समस्त उपस्थित श्रावक श्राविका गण से, महाभक्त परिवार से, चंद्रसेन विनोद कुमार जैन परिवार से, राहुल जैन, अचिन जैन, पवन कुमार जैन समस्त परिवार से, समस्त भक्त परिवार से, कौशल चाची अच्छा कौशल जैन परिवार से, समस्त गौरव जैन परिवार से, और कोई रह गया क्या बता दो मुझे, सबके नाम ले लूंगा। श्रीमती बालाजी जैन परिवार से, अरुण जैन परिवार से, और कोई रह गया, यशवंत जसवंत जी हमारे उस्ताद जी रमन साउंड परिवार से, विपुल जैन परिवार से, हरियन जैन परिवार से, और कोई हो तो बता दो मुझे। हाँ राजीव जैन ले लिए तुम्हारा नाम, नानक जैन समस्त परिवार से, राजीव जैन परिवार से, समस्त दिगंबर जैन समाज से, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति से, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर निर्माण समिति से, समस्त भक्त परिवार से, उपस्थित श्रावक श्राविका गण से, समस्त बाल गोपाल समस्त परिवार से, सर्व शांतिम गुरुगुरु, सतुष्टिम गुरुगुरु, सर्व पुष्टिम गुरुगुरु, सर्व आरोग्य सर्वरत्न त्रयधिम गुरुगुरु स्वाहा, संभोजका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञां, करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्रं, करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्रं, करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्रं। एक बार सभी प्रतिमाओं पे धारा कर लीजिए चित्र से, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षणा दुष्कृमशा दिव्य तेज मूर्ते नम श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्वनाशनाय सर्वघ्ननाशनाय सर्वरोगोपसर्ग भवनुत्तिनाशनाय सर्वशत्रुपतिनाशनाय सर्वशामणामनाशनाय ओम नम ह्रीं रूं रौं रा हसी हौसा नमा समस्त उपस्थित श्रावक श्राविका गण से, मम भक्त परिवार से, मम सहयोग गण से, सर्व शांतिम सर्व तुष्टिम सर्व पुष्टिम सर्व आरोग्य सर्वत्र धीम कुरु कुरु स्वाहा। चलिए गार्ग लीजिए 24 तीर्थंकर का, जल फलिया तो सुचि सारिता को अर्घ करो, तुमको अर्पो भवतारी भवतरी मोक्ष वरो, चौबीसो श्री चिन्ह चंद आनंद कांद सगे, पद जजत हरत भव पांद पावक मोक्ष मगे। ओम ह्री वृषभादि विराम दिव्य चतुर्थ संगर बनमा जलादि अर्घम निरुपामी ते स्वाहा। हाँ चलिए देखिए अब मैं आगे की व्यवस्था बता दूं आप। जल्दी जल्दी अपनी थाली में स्वस्ति खुशी बनाओ, बैठो जल्दी।
आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।